Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. Dawn newspaper ke hum kar rahe the editorial aur opinion ka analysis with practice question and today is 23rd of November 2023. So ji, aaj ke newspaper ke andar kya hai ji? Similarly, 1, 2, 3 पहले तीन ओपिनियन एडिटोरियल्स इनको डिटेल में एनालाइज किया जाएगा देन वी मूव फॉरवर्ड एंड देन 4, 5, 6 एंड 7 वेरी मच इम्पोर्टेंट बहुत सी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ये वाला जो ओपिनियन है इकोनॉमी से डायरेक्ट रिलेटेड है एंड बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इकोनॉमी डेट इज डील विद इंटरनेशनल ह्यूमनिटेरियन लॉज कि जो गजा के ऊपर बम्बारमेंट हुई है क्या उसके अंदर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉस लगते हैं या नहीं लगते, तो इसको हम क्या करेंगे बारी बारी इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड जी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको न्यूज़पेपर का भी और इस लेक्चर का भी लिंक अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ चैप्टर बना देंगे हम, इस लेक्चर के साथ हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी अवेलेबल है, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ मेंबर ऑफ पेन ग्रेविटी फैमिली। एंड वन मोर थिंग कि जनाब ये जो लेक्चर है वी नो कि ये थोड़ा सा लेट हो गया है एंड वी अनाउंस्ड कि क्या वजह हुई थी और हल्का सा मैं बता देता हूँ कि वन ऑफ आवर टीम मेंबर वन ऑफ आवर कंपेनियन वाज इन हॉस्पिटल और अभी भी वो पार्शली रिकवर्ड है, तो इस वजह से जो है ना हम जो है ये लेक्चर जो है वो ये लेट हुआ है। अदरवाइज फ्रॉम प्रीवियस मंथ्स कंटिन्यूसली विदाउट एनी डिले जो है लेक्चर डेली बेसिस के ऊपर अपलोड किया जाता था, लेकिन इस वजह से जो था ना वो लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि बींग अ ह्यूमन जो है ये हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आपके टीम के मेंबर्स हैं, जो भी आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, तो वो प्रायोरिटी पे आपको उनको रखना चाहिए। बाकी चीज़ें तो ठीक है हो रही हैं लाइफ में, हम करते रहते हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर उस और दूसरी बात ये भी है कि ये जो लेक्चर्स होते हैं ये आपको पता है कि इनके ऊपर फुल अटेंशन आपको चाहिए होती है, फोकस चाहिए होता है, तो जब आप थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं मेंटली तो आप फोकस नहीं कर पाते चीज़ों को और फिर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते, क्वालिटी जो होती है ना वो फिर नहीं रहती। सो दैट इज़ द रीज़न ड्यू टू विच दिस लेक्चर वाज डिलेड एंड इंशाल्लाह हम मंडे तक जो है ऑल द लेक्चर्स जो भी हैं वो अपलोड करके इसको बैलेंस कर देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच जिनको भी पता चला उन्होंने प्रेयर्स की एंड वी हाईली अप्रिशिएट कि आप लोग फील हुआ कि आप लोग हमारे साथ हैं और आज के कमेंट के अंदर भी जस्ट आप प्रेयर ही है कि हमारा वो फैमिली मेंबर जो है टीम मेंबर जो है हमारी पेन ग्रेविटी टीम का वो रिकवर हो जल्दी जल्दी और हमारे साथ वापस आके पार्टिसिपेट करे, तो यू जस्ट आमीन लिख दें कमेंट्स के अंदर, थैंक यू वेरी मच। तो चले जी शुरू करते हैं और ये एक न्यू चीज़ हमने एडअप कर दी है डेली बेसिस के अंदर, हम इसको एक एक स्लाइड हुआ करेगी एक या दो स्लाइड जिसके अंदर हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपने जस्ट इसको रीड आउट कर लिया करना है और ये स्लाइड्स होगी जो करंट इश्यूज चल रहे हैं करंट वर्ल्ड के अंदर लोकल लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल के ऊपर भी जो करंट चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या किया करेंगे यहाँ पर अपडेट कर दिया करेंगे, जो चीज़ निकल गई है उसको हम साइडलाइन कर दिया करेंगे ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो अभी रनिंग में हैं, ताकि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या पेपर के लिए जा रहे हैं तो कम अज़ कम इन लेटेस्ट चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो डैट इज़ फर्स्ट टाइम हमने इसको ऐड किया है, विद पैसेज ऑफ टाइम इसको अपडेट हम करते रहेंगे, तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोला करेंगे, आपने जस्ट इसको खुद ही पढ़ लिया करना है, इसको पॉज किया करना है वीडियो को और पढ़ लिया करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम है तो मैं हल्का सा इसका आपको व्यू दे देता हूँ। पहला इंटर ग्लोबल लेवल के ऊपर इसराइल वार चल रही है, हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर को, तो ये कंटिन्यू है। म्यांमार के अंदर जो सिविल वार चल रही है, मुस्लिम रिफ्यूजीज जो है मलेशिया वगैरह जा रहे हैं ये कंटिन्यू है, रशिया यूक्रेन वार कंटिन्यू है, वार इन सूडान है,
क्लाइमेट क्राइसिस COP28 होने वाली है, अफगानिस्तान में जो रिफ्यूजीज हैं यहाँ पे पाकिस्तान का काम शुरू हो जाता है, ये ग्लोबल लेवल पे, ये नेशनल लेवल पे। तो पाकिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान रिफ्यूजीज रिपेट्रिएशन प्लान जो है वो कंटिन्यू है, और इसी तरह से एक नई वेव पाकिस्तान के टेररिज्म की आ रही है जिसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो अटैक कर रही है। तो टेररिज्म की एक नई वेव पाकिस्तान के अंदर जो है वो एड अप हो चुकी है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी IMF का पैकेज वो कंटिन्यू है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी इस वक्त जो है वो इन प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवाने जा रहा है 28 फरवरी 2024 को। तो अब ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं या नहीं, तो ये डिसाइड होगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या हाल है, यानी कि ये कंटिन्यू है 10 फरवरी तक ये कंटिन्यू रहेगा। और इसके अलावा मई 9 मई का जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ था, मिलिट्री कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बैंक है उसने डिसीजन दिया है कि जनाबी अली ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं होगा। तो मिलिट्री कोर्ट्स की डिस्कशन कंटिन्यू है पाकिस्तान के अंदर। 18th अमेंडमेंट का हल्का हल्का टच दे रहे हैं, NFC अवार्ड का हल्का हल्का टच दे रहे हैं कि इसको थोड़ा चेंज करो, तो हो सकता है ये फ्यूचर के अंदर इसके ऊपर भी डिबेट हो। तो कम अज कम आपको बींग अ स्टूडेंट ऑफ कंपिटेटिव एग्जाम एंड बींग अ पर्सन ऑफ दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, बींग अ इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो आपको इन चीजों के बारे में ज्यादा डीपली नहीं, तो बींग अ स्टूडेंट तो आपको डीपली पता होना चाहिए, लेकिन बींग अ वैसे आप अगर अवेयरनेस लेना चाहते हैं तो इन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए, और ये करंट वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज हैं ये चल रहे हैं। तो विद टाइम हम इसके अंदर ऐड करते रहेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या क्या हो रहा है, ताकि आपको पता हो कि यहाँ पर ये चीज चल रही है और यहाँ पर ये चीज चल रही है, उसकी डिटेल आप जहां से मर्जी पढ़ लें, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। सो अगर ये आपको अच्छा लगता है कि ये हमारी जो नया स्टेप हमने लिया है ये अच्छा है, हेल्पफुल है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है आप वो भी इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और ज़्यादा अपग्रेडेशन इसकी करें। सो जी शुरू करते हैं आज का। नंबर 1 एडिटोरियल गजा ट्रूस। ट्रूस बेसिकली क्या होता है, मुआहदा, ठीक है नहीं, गजा का मुआहदा क्या हो रहा है, पहले पिक्चर दिखा देता हूँ सारा क्लियर हो जाएगा। ये पिक्चर डॉन वालों ने दी है, इससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ये गजा सिटी है, ये क्या है जी, ये इसराइल है, हॉस्पिटल्स दिखाए हैं गजा सिटी के मुख्तलिफ चीजें, और ये एक किस्म का उन्होंने क्या दिखाया है, एक असदहा टाइप उन्होंने चीज बनाई है। उसने क्या किया है कि इस गजा सिटी को तबाह कर दिया, इसकी बेस तक को तबाह कर दिया, इसको भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, और अब तबाह कर दिया जब कुछ नहीं बचा तो अब क्या होने लगा है, मुआहदा ट्रूस, गजा ट्रूस होने लगा। अब तो जनाबी अली ये है आज की पिक्चर जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसराइल ने पूरे के पूरे गजा को तबाह कर दिया है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन की, हर किस्म की उसने वायलेशन कर दी है, और अभी तक ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो खामोश है। मतलब क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही है पंजाबी में। तो चलें जी, ये है गजा का ट्रूस होने जा रहा है, मुआहदा होने जा रहा है, इसके अंदर वो डिस्कस किया जाएगा और इसराइल वार को हल्का सा वो टच देगा, ये दो चीजें। तो इसके इस बारे में आपको अपग्रेडेशन मिलेगी, अपडेट मिलेगी, क्या हो रहा है जी, गजा ट्रूस हो रहा है, कहता है ये पाउस है, थोड़ी देर के लिए रुकना है, सीज फायर नहीं है, ठीक है ना, 4 दिन का सिर्फ क्या है, पाउस, ठीक है ना, रुकना, थोड़ी देर के लिए रोक है, 4 दिन के लिए कोई बम नहीं फेंकेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप अपने जो भी आपके इंजर्ड हैं उनको उठा लें, जो मर गए हैं उनको दफना लें, और उसके बाद फिर आप लोग तैयार हो जाएं। तो ये 4 दिन का आपको ब्रेक दी गई है कि फ्रेश हो जाएं। तो ये है पाउस। अब इसमें क्या होगा, इसमें रिलीज किया जाएगा 150 फलस्तीन और फलस्तीनी औरतों को और बच्चों को, और इसके बदले में 50 औरतों को और बच्चों को हमास जो है वो रिलीज करेगा। अब ये दोनों क्यों रिलीज कर रहे हैं, नंबर 1 हमास इसलिए रिलीज कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि जो फलस्तीनी पीपल है ना, जो फलस्तीन के लोग हैं, चलो उनको कुछ थोड़ी सी कंफर्ट हम प्रोवाइड कर दें, थोड़ा उनका आसरा बन जाए। दूसरी तरफ इसराइल क्यों कर रहा है, क्योंकि इसराइल के ऊपर प्रेशर है फ्रॉम द फैमिलीज, वो बंदे जिनको किडनैप कर लिया गया है, अगवा कर लिया गया है, उनकी फैमिलीज जो हैं वो इसराइल के सिटी के मुल्क के अंदर क्या कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा कि जनाबी अली इनको छुड़ाओ। तो ये एक मेन जो है ना प्रेशर है इसराइल के ऊपर, इसराइल की गवर्नमेंट के ऊपर, तो डैट्स वाई दे आर गोइंग टू फॉर अ छोटे से पाउस के लिए, ताकि हम प्रिजनर्स जो है उनको क्या कर सकें, एक्सचेंज कर सकें।
अब ये जो है वो कहता है, यहां तक तो होगी बात, आगे वो कहता है ये जो मुआहदा ना ये बड़ा कमजोर सा मुआहदा है। क्यों? क्योंकि अभी मुआहदा हो चुका है, 4 दिन का ब्रेक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो इसराइल है वो कंटिन्यू वो अटैक कर रहा है साउथर्न गजा के ऊपर। तो इसका मतलब है कि ये जो मुआहदा है ना ये बहुत ज्यादा कमजोर है, इतना स्ट्रांग नहीं है। कहता चले जी मुआहदा हो जाता है, मुआहदा हो गया, बंदे आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, लेकिन अभी 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 प्रायोरिटी पे करना क्या चाहिए, इमीडिएट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? वो ये होनी चाहिए कि जो गजा के लोग हैं ना उनकी जरूरियात को जो है ना वो देखा जाए कि अभी उनको क्या जरूरत है। क्या जरूरत है उनको? अभी उनको जरूरत है खाने की, पानी की और फ्यूल की। ये 3 चीजों की जरूरत है, क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही हैं। और उसके साथ साथ उनको मेडिकल हेल्प की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग जख्मी हैं इस वक्त। तो ये क्या होना चाहिए, जैसे ही पौष होता है तो पर फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये वाली फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। आगे वो कहता है कि ये जो दुनिया है ना ये इसके किसी अलूजन का शिकार ना रहे, यानी कि कोई अपने ऐसे ही ना इनको कोई धोखा नहीं रखना चाहिए, कोई सोच नहीं रखनी चाहिए कि ये जो है ना जो छोटा सा जो ट्रूस हुआ है ये सीज फायर में, लॉन्ग टर्म सीज फायर में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होना, सीज फायर है कि बिल्कुल बंद कर देनी है लड़ाई, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उसने क्या किया है कि उसने अभी क्या है कि स्टिल वार विल कंटिन्यू, ठीक है ना। और ये जो ट्रूस है कहता ठीक है ये पॉसिबल है कि ये ट्रूस जो है ये मुआहदा थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, मगर वार जो है ना वो अभी जंग जो है वो जारी है, बंद नहीं हुई ही। तो वो कहता है असल में बात ये है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना वो टोटली तौर पर फेल हो चुकी है सीज फायर करवाने में। तो अगर आप प्रीवियस वाले जो एडिटोरियल्स हैं या ओपिनियंस हैं उनको सुने तो आपको पता चलेगा कि इस इतनी बड़ी दुनिया के अंदर कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो इसराइल को कहे कि भाई बस कर दे, क्योंकि जिन्होंने कहना है बस कर दे वो खुद कह रहे हैं बस नहीं करना, और कर और फेंको बम। तो ये इस दुनिया की रियलिटी है। तो कहता है कि असल में कम्युनिटी बिल्कुल फेल हो चुकी है, तो अब इसराइल जो है वो थोड़े दिन का वक्फा देगा और उसके बाद दोबारा से वो शुरू करेगा। आगे वो कहता है कि इस वक्त जब ये डील हो रही है तो इस वक्त ये डिस्कस करना कि जो फ्यूचर और पाथ होगा पीस का, कि जो अमन का फ्यूचर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। तो कहता है कि अब तक जो फलस्तीनी है 14,000 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये अरब इसराइल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लडियस्ट जो है ना एपिसोड है, सबसे ज्यादा यानी कि जिसके अंदर तबाही हुई है। अरब इसराइल पहले भी जंगें होती रही हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा ब्लडियस्ट खूनी वार हुई है जिसके अंदर 14,000 के करीब लोगों ने अपनी जान खोई है। और फिर आगे वो कहता है टू स्टेट सोल्यूशन की तो अभी बिल्कुल आप बात ही ना करें। क्यों? क्योंकि अभी जो गजा है ना वो ये वर्ड यूज करता है बरीड इन द रबल्स ऑफ गजा, गजा के जो टूटे फूटे मकान है ना उसके मलबे के नीचे दब गया है टू स्टेट सोल्यूशन। अभी तो बिल्कुल बात ही ना करें, अभी तो फलस्तीनियों की जान को बचाए ना, अभी तो ये बात हो ही नहीं सकती। राइट नो कहता है अ जस्ट सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू एंड द साइकिल ऑफ वायलेंस। अभी तो सिर्फ ये जरूरत है कि ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है ना बार बार तबाही हो रही है, बार बार बम फेंके जा रहे हैं, अभी तो इसको रोको ना। टू स्टेट सोल्यूशन की तो अभी बिल्कुल बात करो ना, पहले इसको बंद करो फिर आगे बात करो। तो कहते हैं एज लॉन्ग एज इसराइल कंटिन्यू टू मर्डर अरब्स, जब तक जो इसराइल है अरब्स को मारता रहेगा उनकी जमीन लेता रहेगा, तो जो फलस्तीनी है ना वो रेजिस्ट करते रहेंगे। तो आगे वो कहता है ओनली अ जस्ट पीस, सिर्फ एक पीस जो है ना सिक्योर फॉर फलस्तीनियन एंड देयर राइट्स, बेवा पाथ फॉर सस्टेनेबल स्टेटहुड, एक पीसफुल मुआहदा हो जाए और उनके वहां पर क्या हो जाए, उनको एक इलाका दे दिया जाए रहने के लिए, और इसराइल की अकाउंटेबिलिटी की जाए। तो उसने क्यों ये हजारों के हिसाब से बच्चों का मर्डर किया है, तो फिर इसका सोल्यूशन हो सकता है, इसमें हम सक्सीड हो सकते हैं। तो ये है इसराइल गजा का करंट सिनेरियो 23 नवंबर तक, आगे जो भी आएगा वो लेटेस्ट चलता आ जाएगा। स्क्वायर वन, सेकंड आपका जो ओपिनियन है और एडिटोरियल है वो है स्क्वायर वन। स्क्वायर वन बेसिकली इसका मकसद मतलब क्या होता है, स्क्वायर वन बेसिकली यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल स्टेज और स्टेप, नो प्रोग्रेस। जब कोई आप काम कर रहे हैं, आप 1 हफ्ता लगाते हैं, 1 महीना लगाते हैं, 6 महीने लगाते हैं, और उसके बाद आपको जीरो प्रोग्रेस होती है, यानी कि आप वापस उसी स्टेज पे आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये इसका बेसिकली जो मतलब होता है स्क्वायर वन का वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं, इनिशियल स्टेज आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि नो प्रोग्रेस। ठीक हो गया।
अब इसके अंदर जो है पाकिस्तान की जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी बात की जाएगी, इमरान खान के साइफर केस की बात की जाएगी और ट्रांसपेरेंसी इन जस्टिस सिस्टम यानी कि जुडिशरी के ऊपर, ये है आपका जुडिशियल सिस्टम जो है ना उसके ऊपर बात होगी, पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर। अब इसमें पहले स्टोरी आपको बता दूं फिर मैं आगे चलता हूँ। होता क्या है इसमें, पहले स्टोरी जो है वो बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्टोरी सुन लें जी। स्टोरी ये है कि प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान पाकिस्तान का, फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, वहां पे वो कहता है जो एंकर है इंटरनेशनल मीडिया का, वो उसको कहता है कि आप हमको अंडे अड्डे देंगे, जो है इंटरनेशनल मीडिया का एंकर इंटरव्यू लेयर होता है, तो वहां पर वो पूछा जाता है कि यूएसए को अगर अटैक करना हो किसी टेररिस्ट के ऊपर या अफगानिस्तान के किसी एरियाज के अंदर, तो क्या पाकिस्तान हमको अड्डे प्रोवाइड करेगा? तो उसने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं जी, हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक काम हो गया। नेक्स्ट आगे मूव चलते हैं, आगे आता है साइफर। साइफर बेसिकली जो वर्ड है ना इसका अगर हम मतलब लें तो ये होता है सेक्रेट राइटिंग, खुफिया अल्फाज में लिखा हुआ कोई मैसेज कोडेड वर्ड्स के अंदर, इसको साइफर, इसका जो है ना मीनिंग जो है वो ये है, कोडेड मैसेज होता है, कोड वर्ड के अंदर आप उसको डीकोड करते हैं और उसको बाद में आप समझ लेते हैं, तो ये होता है साइफर। उसके बाद आ जाता है जी साइफर, ठीक है, यानी कि इमरान खान को कोडेड वर्ड के अंदर ये समझाया जाता है कि अगर तुम इसी तरह एब्सोल्युटली नॉट पे टिके रहे ना तो ये कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर, तो फिर क्या है तुम्हारी गवर्नमेंट जो है वो जा सकती है। तो उसने कहा नहीं, ठीक है, यानी कि ये उसको बता दिया गया, उसने बात नहीं मानी। तो बहरहाल उसके बाद क्या हुआ, इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव चला और उसको गवर्नमेंट से उतार दिया गया। तो देन क्या हुआ, जो पीटीआई इमरान खान लीडर, जब उसको नो कॉन्फिडेंस से उतार दिया गया ना, तो फिर उसने एक जलसा किया और उस जलसे के अंदर उसने कहा ये एक उसके खिलाफ एक बगावत है, कंस्पिरेसी है उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ, और उसने लोगों को वो साइफर का जो एक सफा था वो हला हला के दिखाया और लोगों को बताया कि जनाब अली मुझे इन्होंने कहा था तो मैंने नहीं बात मानी, तो मुझे इन लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू क्या कर दिया है, उतार दिया है मुझे पावर से। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। बहरहाल उसने ये बात की, जब उसने ये बात की साथ साथ उसने एंटी एस्टेब्लिशमेंट नरेटिव जो है ना वो भी एलेबोरेट कर दिया, उसमें उसने ये भी कर दिया कि ये जो बाजवा है ये भी इसके अंदर मुलबास है, ये इनके पाकिस्तान की मिलिट्री को भी उसके अंदर ऐड कर दिया, यूएसए को ऐड कर दिया क्यों, और पाकिस्तान की मिलिट्री को ऐड करके उसने कहा कि इन दोनों ने मिलकर मुझे गवर्नमेंट से उतारा है। तो जब उसने ये काम कर दिया ना, एस्टेब्लिशमेंट को भी बीच में ऐड कर दिया, तो ये काम फिर हो गया मोर कॉम्प्लिकेटेड। जब ये मोर कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो उसके खिलाफ फिर अगेंस्ट जो है ना इमरान खान के खिलाफ अंडर सेक्रेट एक्ट्स जो है ना उसके खिलाफ क्या हो गए, केसेस दर्ज हो गए कि ये जो उसने साइफर का काम किया है ये बिल्कुल उसने गलत किया है, इसने पाकिस्तान के कुछ सेक्रेट एक्ट वो बने होते हैं कि कोई भी जो बंदा है जो गवर्नमेंट यानी कि सेक्टर के अंदर है या पावर में है तो उसके ऊपर क्या होती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि वो जो ये वाली जो होती है ना खसूसी चीज़ें इनको पब्लिक को नहीं बताएगा, तो इसने क्या किया जाके पब्लिक में ये चीज़ बता दी, लिहाजा इसके जो एक्ट ये वाला सेक्रेट एक्ट है ना इसके तहत इसके ऊपर क्या हो गए केसेस दर्ज हो गए, और जब इसके ऊपर केसेस दर्ज हो गए तो इसकी पकड़ धकड़ शुरू होगी, जब इसकी पकड़ धकड़ शुरू होगी तो उसके बाद हमें एक इंसिडेंट मिलता है 9 मई का इंसिडेंट मिलता है, और उसके बाद जेल के अंदर इसका ट्रायल शुरू हो जाता है, किसका, इमरान खान। ये थी जनाब अली स्टोरी, ये चल रहा था काम इमरान खान के यानी कि जुडिशरी के अंदर, तो अब उसका केस चल रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फाइंडिंग्स जो है ना उसने ये दी है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है ना इमरान खान, अब ये मैं क्या डिस्कस करने लगा हूँ, ये स्केयर वन डिस्कस करने लगा, ये मैंने स्टोरी आपको सुना थी अब जो सारी थी, तो अब क्या है स्केयर वन के अंदर क्या होता है कि ये ट्रायल तो शुरू हो गया, अब ट्रायल चल भी रहा था, तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग्स दी कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है ना उसका जो जेल ट्रायल जा रहा है ना इन साइफर केस के अंदर वो इलीगल है, वो क्या है इलीगल है, और प्रोसीडिंग अब जब उसने कह दिया कि वो लीगल है ही नहीं, वो जो अपना साइफर केस का जो जेल ट्रायल है वो क्या है इलीगल है, अब ये कौन कह रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है, तो जब उसने ये कह दिया तो जब से वो यानी कि ट्रायल चला है अगर वो चल के यहाँ तक आया अगर सादा अल्फाज में कहूँ, तो अब इस्लामाबाद ने जब ये कह दिया कि वो इलीगल है तो वो वापस चल के अपने जीरो पॉइंट पर चला गया। तो ये है जी स्क्वेयर जो है वन की बात उसने रखी। अब इसमें क्या कहा है, उसने कहा कि नैदर इमरान खान नोर फॉर्मर मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी
उनको कुछ ज्यादा देर तक अब इंडिक नहीं किया जा सकता। तो जो डिसीजन किसने दिया था पहले, इमरान खान ने ये चैलेंज किया था कि जो डिसीजन पहले दिया था ना, वो एक सिंगल मेंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने दिया था, जिसने अप्रूव किया था कि इसका जेल के अंदर ट्रायल होगा। लेकिन अब जो है स्पेशल कोर्ट जो कि बनी है, उसने कहा है कि नहीं, ये फ्रेश प्रोसीडिंग्स हम जो है ना वो शुरू करेंगे। अब कहता जब ये फ्रेश प्रोसीडिंग्स होंगी तो ये क्या है कि जस्टिस सिस्टम के अंदर क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो ट्रांसपेरेंसी जो है इस ट्रायल के अंदर ऐड करे, कि ट्रांसपेरेंट और इंश्योर करे कि फेयर तरीके से ये ट्रायल हो। तो अब बहुत ज्यादा पहले इसके ऊपर डिबेट हो रही थी कि मिस्टर खान मिस्टर कुरैशी की जो है 23 अक्टूबर के हिसाब से, लेकिन अब जो है दोबारा से ये ट्रायल जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि वो कहता है अब रीसेट बटन जो है वो दबा दिया गया है, अब प्रोसीडिंग जो है वो दोबारा से एक नए सिरे से शुरू होंगी, और इसके अंदर अक्यूज वर हाई ऑफिसर बी अरेस्ट। अब यहाँ पे उसने वर का ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वर से मुराद है नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ को भी उसने इसके अंदर ऐड कर लिया कि इमरान खान और नवाज शरीफ, इन दोनों की जो प्रोसीडिंग चल रही है। तो वो कहता है कि दोनों हाई ऑफिस बी अरेस्ट हैं, इनके प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब ये है कि जो भी ट्रायल होगा वो क्या होना चाहिए, मीडिया की आई के सामने होना चाहिए और पता लगना चाहिए कि क्या हो रहा है। और इसी तरह वो कहता है कि डिबेट जो भी होगी वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, ठीक है ना, और कोर्ट रूम के अंदर जो है रादर देन इन प्रिजन, कोर्ट रूम में होना चाहिए, ना कि जेल के अंदर ट्रायल होना चाहिए। तो कहता है हिस्ट्री विल नॉट इवन रिपीटेड इन जस्टिस का इन काइंडली, ये तो बस इनकी बातें होती हैं कि हिस्ट्री विल नॉट व्यू रिपीटेड इन जस्टिस काइंडली, कि बार बार जो इनजस्टिस हो रहा है उसको हिस्ट्री सही तरीके से उसको नहीं देखेगी। तो बात उसकी यही है। इसमें आपको एक अपडेट मिल गई है कि जो अभी क्या चल रहा है, कि अभी दोबारा से जो है 0.0 से शुरू होगा केस, और अब वो जेल ट्रायल नहीं होगा, बकायदा कोर्ट के अंदर होगा, और देखेंगे कि साइफर का क्या बनता है। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाए आपका थर्ड वन, साइलेंस विद इम्प्यूनिटी। साइलेंस विद इम्प्यूनिटी ये मेन ऐड, इसके अंदर जो मेन होगा वो होगा मीडिया, मेन टॉपिक आपका जो होगा वो होगा मीडिया। मीडिया के बारे में बात होगी, एक केस है किसी जर्नलिस्ट का जिसका मर्डर कर दिया गया है, और उसके बाद वो डिबेट करेगा जर्नलिस्ट मर्डर इन पाकिस्तान के ऊपर, कि पाकिस्तान में कितने जर्नलिस्ट की जो है मर्डर कर दिया गया है। तो आप इसको मीडिया के अंदर जो है, मीडिया के टॉपिक के अंदर लिख सकते हैं, आप इसको डेमोक्रेसी के अंदर लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर जो होता है आजाद मीडिया चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो मर्डर ही इतने हो रहे हैं, तो ये भी डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है, ठीक है ना। और मीडिया की सूरत हाल भी आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर क्या है। कहता 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं कि केस जो है वो सोल्व नहीं हुआ, क्या 13 अगस्त को एक जर्नलिस्ट मोहम्मद मेहर जो सक्खर में है उसका कत्ल कर दिया गया। वो एक सीनियर जर्नलिस्ट था, सिंधी लैंग्वेज न्यूज़पेपर से उसका तल्लक था, और उसी तरह टीवी चैनल भी वो था सिंधी लैंग्वेज का, उससे उसका तल्लक था। कार का जो है ना उसको तबाह कर दिया गया, उसकी कार को मल्टीपल टाइम्स उसको शूट भी किया गया, वो हॉस्पिटल जो है उसको लेकर गए, लेकिन वो फाइनली उसकी डेथ हो गई। GIT बनाई गई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। पुलिस ने जल्दी जल्दी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी कुछ घंटे के अंदर, और कह दिया कि इसका कोई पर्सनल जो है इसकी कोई दुश्मनी थी, इसका इसके जर्नलिज्म से इसकी डेथ का कोई लिंक नहीं है। अब जो है पुलिस ने अरेस्ट किया है जो कि जिसने कत्ल किया उसके बेटे को, और स्टिल जो है वो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो ये किसका केस है, ये केस है मेहर मोहम्मद मेहर का जो सक्खर के अंदर रहता था, ठीक है ना, तो वहां पर उसकी डेथ हुई है। तो ये थी इसका मेन जो स्टोरी थी। अब वो आगे चलता है, वो पाकिस्तान को होल को डिस्कस करता है कि जर्नलिज्म का पाकिस्तान के अंदर क्या हाल है। कहता है 97 इस तरह से के वाकयात हो चुके हैं जिसके अंदर जर्नलिस्ट को क्या किया गया, कत्ल किया गया है पिछले 30 साल के अंदर, ठीक है ना। और कहता है कि जो किलर हैं वो बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं कंप्लीटली इम्यूनिटी 98% ऑफ दीज केसेस, यानी कि अगर 200 केसेस हैं तो उनमें 98 जो केसेस हैं उसके अंदर क्या होता है, जो जो भी मर्डर करने वाला होता है वो क्या उसको माफी मिल जाती है, आजादी मिल जाती है। तो ये सूरत हाल है। तो कहता है कि अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये जो साइकिल है ना वायलेंस का, इसको खत्म करे। बार बार जो ये मर्डर किए जा रहे हैं, शो जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस जो है वो शो करे इन लोगों के खिलाफ जो ये मर्डर करते हैं। लीगल प्रोटेक्शन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए, और इसके अलावा इंश्योर करे स्विफ्ट एंड फेयर ट्रायल्स। ये सारे क्या वो दे रहा है आपको, ये सारी के सारी वो आपको राय दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है कि जस्टिस सिस्टम कैसा होना चाहिए, ठीक है, कि इंश्योर होना चाहिए। स्विफ्ट स्विफ्ट गाड़ी का भी नाम है आपको पता, सुजुकी स्विफ्ट, ठीक है ना, 1300 सीसी जो है,
तो स्विफ्ट का बेसिकली मतलब होता है स्पीडी, तेज, ठीक है ना, एकदम से स्पीड के साथ। स्विफ्ट एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू दोज, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए जिनको थ्रेट हो कि उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लिया जा सकता है या उनकी जान को खतरा है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए कि जो स्टेट है उसको क्या करना चाहिए, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो पैदा करना चाहिए प्रेस के लिए, कि जो प्रेस वाले हैं उनकी इज्जत की जाए। इसके अलावा और क्या है, जर्नलिज्म जो है ना उनको नेशन बिल्डिंग के तौर पर, पार्टनर के तौर पर देखा जाए कि नेशन बिल्डिंग में ये पार्टनर है ना कि एडवर्सरीज हैं। अक्सर हमारे मुआशरे के अंदर जो जर्नलिस्ट है उनको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, और उसकी एक वजह भी है कि जो जर्नलिस्ट है उन्होंने भी अपना मेयार पैदा नहीं किया, उन्होंने भी जो बात क्वालिटी वाली है वो नहीं की, वो भी बस ऐसे ही टाइम टपाउ स्कीमें करते हैं, तो फिर उससे फिर जहर है, फिर उसी तरह का तासर पैदा होना है ना, तो जो मेन बात है वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेशन बिल्डिंग के तौर पर उनको लिया जाए। आगे जो है, क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट वेयर जर्नलिस्ट कैन रिपोर्ट विदाउट फियर, बगैर डर के जो है वो अपना रिपोर्टिंग कर सकें। और इसी के कहता है कि अगर मेहर का जो है ना मर्डर जो है ये क्या है, एक टेस्ट है किसके लिए, पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है उसके लिए, ठीक है, और पाकिस्तान कितना जस्टिस के लिए और प्रेस फ्रीडम के लिए कितना एक्टिव है, क्या कमिटमेंट है, तो ये एक टेस्ट है कि क्या इनको इसको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। और आगे वो कहता है द स्टेट मस्ट राइज दिस चैलेंज फॉर द सेक ऑफ जर्नलिस्ट एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द डिफेंड दे डिफेंड। असल में वो यही कह रहा था कि यहाँ पे फाइनली स्टेट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो है जर्नलिस्ट हो या एक आम सिटीजन हो, उसकी राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ लाइफ जो होता है उसको होता है, और अगर उसको थ्रेट होता है तो उसके खिलाफ क्या होता है, जो स्टेट होती है वो एक्शन लेती है। सो जी, ये था आपके 3 जो थे एडिटोरियल, एंड ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आपने करते रहना है। एंड नो वी मूव टू वर्ड ओपिनियंस, ठीक हो गया। आप चलते हैं जो ओपिनियंस की तरफ। पहला जी ओपिनियन है इकोनॉमी के ऊपर, वेरी मच इंपॉर्टेंट है, जितना मैं कह सकूँ इंपॉर्टेंट उतना ही काम होगा, और मैं यहाँ तक आपको कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप स्पेशली इसको जरूर एक दफा रीड आउट करें। ये बेसिकली, अब कई कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप लोग बता दिया करें किसका है, तो ये मिफ्ताह इस्माइल साहब है, ये नाम लिखा हुआ है, ये इनकी पिक्चर है, फॉरेन ट्रेड डिबेट, इसके ऊपर ये बात करेंगे, और ये पाकिस्तान के जो है ना एक्स जो है फॉर्मर जो है ये फॉरेन अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं कुछ अर्से के लिए। जब फिर बात, अगर मैं पॉलिटिकल बात कर दूंगा तो वो फिर गलत हो जाएगी, कि इसको लगाया था फॉरेन आपका फाइनेंस मिनिस्टर, तो जैसे ही इसहाक डार साहब जो है वो वापस आते हैं तो फैमिली टर्म्स के ऊपर इसको उतार दिया जाता है, और इनको दोबारा से इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे ये है। बहरहाल फॉरेन ट्रेड डिबेट के ऊपर बात करेंगे, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की हैं, दो बड़े मेजर जो पॉइंट्स हैं वो इन्होंने डिस्कस किए हैं। बेसिक मेन जो होगा आपका टॉपिक वो होगा इकोनॉमी का, कि इकोनॉमी आप इसमें ये डिस्कस करेगा, तो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में आपने इसको देखना है इस ओपिनियन को। फॉरेन ट्रेड की बात की जाएगी, जो हम ट्रेड लोकल ट्रेड की नहीं, फॉरेन ट्रेड की बात करेगा, उसको डिबेट करेगा, दो मेन चीजें डिस्कस करेगा, 1 एंड 2। नंबर 1 है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट एंड नंबर 2 है एक्सपोर्ट प्रमोशन, और फिर बताएगा पाकिस्तान इन दोनों में फेल हो गया, कैसे फेल हो गया, और कैसे हम जो है अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसको और समराइज अगर मैं कर दूं तो वो ये है कि इकोनॉमी बेहतर होती है कि आप इंपोर्ट जो है वो कम कर दें, ठीक है, और एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा कर दें, यही मॉडल है दुनिया के अंदर, ठीक है। चाइना भी इसी तरह से तरक्की कर रहा है कि उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, लेकिन पाकिस्तान में यह है कि इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो जनाब अली इसने बताया है कि कैसे, दो मॉडल्स डिस्कस किए हैं, तो इसने कहा कि फिर हम क्या करें, कैसे इकोनॉमी को बेहतर करें। तो इकोनॉमी को कहता है बेहतर करने के दो तरीके हैं, जो चीजें हम इम्पोर्ट करते हैं उनके सब्स्टिट्यूट यानी कि रिप्लेसमेंट हम खुद पैदा करनी शुरू कर दें, खुद बना लें, तो उससे क्या होगा, हमें इम्पोर्ट चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, और दूसरा है हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा, इम्पोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, तो हम तरक्की कर जाएंगे। लेकिन कहता है ये कोशिश की गई पाकिस्तान के अंदर कि जो चीजें इम्पोर्ट की जाती हैं उनका सब्स्टिट्यूट बनाया जाए, यानी कि उसको हम खुद पैदा कर लें, और जो पैदा करने वाले हैं उनको हमने फैसिलिटीज भी दी, लेकिन उसके बावजूद वो बंदे फेल हो गए इम्पोर्ट वो चीजें बनाने में, तो हमें फिर भी इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। फिर ये जो बंदे वो चीजें बनाते थे वो इस लेवल की नहीं थी कि उनको एक्सपोर्ट भी किया जाए,
तो फिर हमारी एक्सपोर्ट भी काम होगी और चीजें हमें इम्पोर्ट भी करना पड़ी। तो लिहाजा पाकिस्तान दोनों स्ट्रेटेजीज के अंदर फेयर रहा है। तो फिर वो बताता है कैसे फेयर रहा है, एंड फाइनली वो आपको बताएगा कि आप कैसे एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इकोनॉमी के दो मेन पिलर्स ये डिस्कस करेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और बहुत अच्छे अंदाज में डिस्कस करेगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस ओपिनियन को खुद से भी एक दफा जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं इसके बाहर जो मेन पॉइंट्स हैं, जो क्रक्स था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब फाइनली मैं आगे चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको इसके जो है डिस्कस करता हूँ। तो जी, वो कहता है कि डिबेट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब डिबेट किस चीज के ऊपर? डिबेट इन पाकिस्तान के फॉरेन ट्रेड जो स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी वी शुड परस्यू के, यानी के ये डिबेट हो रही है कि फॉरेन ट्रेड स्ट्रेटजी कौन सी है हमें जो परस्यू करनी चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए या इम्पोर्ट का सब्स्टिट्यूट बना देना चाहिए। यानी कि दो चीजें हैं, या तो आप एक्सपोर्ट बना दें, बढ़ा दें, जो मैंने पीछे डिस्कस किया, या इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट जो चीजें इम्पोर्ट करते हैं, जो चीजें इम्पोर्ट की जाती हैं उनकी रिप्लेसमेंट कर दें, यानी कि वो चीजें खुद से बनानी शुरू कर दें। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल दूं कि हम, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, हम मोबाइल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, तो अगर हम खुद बनाने शुरू कर दें तो हम इम्पोर्ट नहीं करने पड़ेंगे। इसी हम, चलो ऑयल तो नहीं बना सकते, हम कारें इम्पोर्ट करते हैं, हम खुद बना लें। अब तो हम वीट भी इम्पोर्ट करना शुरू हो गए हैं, वीट भी हम यूक्रेन से मंगवा रहे हैं, रशिया से मंगवा रहे हैं। तो यानी कि हम इतने नलायक हो गए हैं कि हम अब एग्रीकल्चरल, वैसे अपने आप को कहते हैं लेकिन राइट नो, अब हम वीट भी बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है फिर? तो हम जो, अगर हम वीट खुद इतनी पैदा कर लें तो हमें वीट नहीं मंगवानी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली हमारे पैसे बच जाएंगे, डॉलर्स बच जाएंगे। तो बहरहाल अभी आपके लिए ये न्यूज़ भी है, और इसी वजह से जब यूक्रेन वार हुई है तो ऑयल के साथ साथ जो वीट की प्राइसेस, ये सारा कुछ डिस्टर्ब भी हुआ है, ठीक हो गया। तो वो कहता है कि क्या करें, पाकिस्तान के अंदर यही तो डिबेट चल रही है कि इकोनॉमी को सीधा करना है तो मतलब से क्या है कि पैसे बचाने हैं, तो पैसे कैसे बचाएं? कि या तो एक्सपोर्ट बेचो, चीज़ें बना बना के बाहर बेच दो, पैसे कमा लो, और दूसरा ये है कि या जो चीज़ें खरीदते हो वो अपने घर बनानी शुरू कर दो। तो क्या किया जाए, इसके आगे वो क्वेश्चन मार्क लगा देता है। तो यही डिबेट चल रही है। तो कहता है कि साउथ एशियन जो स्टेट है ना, ठीक है ना, वो जो पाकिस्तान जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं, मैप यहाँ पे लगा देता जो नए बच्चे हैं उनको पता चल देता, लेकिन चलें जो पहले से हैं उनको आइडिया है। साउथ एशिया के अंदर जो है आपकी 8 कंट्रीज आती हैं, ठीक है ना, और हम इसको याद करने के लिए अक्सर MBBS और पेन का वर्ड यूज करते हैं, कोड जो है। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो MBBS डॉक्टर होता है, जब आपको पेन होती है आप उसके पास जाते हैं, तो ये कोड वर्ड यूज किया जाता है साउथ एशिया की जो स्टेट्स हैं उनको याद करने के लिए, अक्सर स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं। तो ये 8 स्टेट्स हैं साउथ एशिया के अंदर। तो इस सारे के अंदर साउथ एशिया के अंदर क्या है, सेकंड वाली जो अपना फर्स्ट वाली जो स्ट्रेटजी है ना वो यूज की जाती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। और इसकी वजह से वो क्या है, उन्होंने तरक्की भी की है, सब ने, हम सबसे वो आगे बेहतर इसीलिए होते जा रहे हैं। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं, उसकी इकोनॉमी बेहतर होगी, इंडिया की इकोनॉमी बेहतर होगी। इंडिया जितने पैसों का सऊदी अरब तेल बेचता है ना, उससे ज्यादा पैसों का तो इंडिया जो सॉफ्टवेयर बेचना शुरू हो गया। सॉफ्टवेयर आपको पता ना बिकते हैं, तो इंडिया इतना यानी कि IT में आगे चला गया कि जितने पैसों का सऊदी अरब तेल बेच रहा है ना, अब उसके लेवल पे तो ये आ रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर इतने का बेचना शुरू हो गए हैं। तो इस, ये भी उसकी वजह है। तो यानी कि बाकी साउथ एशिया के अंदर क्या है, एक्सपोर्ट जो है स्ट्रेटजी, फर्स्ट वन स्ट्रेटजी, दैट इज वन, जीत चुकी है, इसी के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन अभी हम तो अभी भी कंफ्यूज हैं, स्टिल कहते हैं हम कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, व्हाट वी डू, स्टिल वी कंफ्यूज, हम अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें। और इसलिए हम दोनों के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा तेज बनते हैं ना, हम कहते हैं हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा दें, इम्पोर्ट भी कम कर दें। तो उस तेजी का हमें रिजल्ट क्या हुआ कि हमने कहा हम दोनों ही काम कर लेते हैं और हम दोनों में तबाह हो गए, हम दोनों में कुछ नहीं कर सके, ना एक्सपोर्ट बढ़ा सके ना इम्पोर्ट कम कर सके। और बाकी दुनिया जो है वो एक के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर काम कर रही थी और वो कामयाब रही। आगे वो आ जाता है आप इसकी स्ट्रेटजी के ऊपर बार बार। अब पहली स्ट्रेटजी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ स्ट्रेटजी। अब ये अगर आपने इकोनॉमी बेहतर करनी है तो ये एक स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है अगर आप इसके ऊपर कर लें। अब इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा से आपको बता देता हूँ, इसमें ये होता है कि आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं,
एक दफा इम्पोर्ट कर ली, फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी, आप उसको कहते हैं एक ना रिवर्स इंजीनियरिंग का वर्ड यूज किया जाता है यहाँ, आप कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ये एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ इसके साथ में, लेकिन इसको समझने में तो मदद देगा ना। तो आप एक चीज मंगवाई, उसकी आपने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, उसको खोला, उसको सारे को खोलने के बाद उसके पुर्जे अलग अलग कर दिए और उसके बाद उसको दोबारा से जोड़ दिया, और आपको फिर समझ आ जाएगी कि ये किस तरह से वर्किंग किस तरह से करती है। उसके ऊपर बाद वो पुर्जे जो हैं वो आपने लोकली बनाए, ठीक है, उसको फिर असेंबल कर दिया और वो चीज़ आपके घर में तैयार होगी। तो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड से बहुत सारे कंट्रीज ऐसे कर रही हैं, इंडिया भी उनमें शामिल है, दूसरे भी शामिल है, कि एक चीज़ मंगवाते हैं उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसमें अगर तो वो कामयाब हो जाए तो वो चीज़ वो अपने घर में बनाना शुरू कर देते हैं, बाद में इम्पोर्ट नहीं करते। लेकिन हम इसके ऊपर वर्क नहीं करते, हम बस इम्पोर्ट ही करते हैं, ठीक है ना। तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें यही है कि जो चीज़ आप बाहर से मंगवाते हैं उसको क्या करें, वो बाहर से ना मंगवाएं, वही चीज़ आप अपने घर में पैदा कर लें और आपके पैसे जो हैं वो बच जाएंगे। अब इसकी वो मिसाल देता है, फिर कहता है हमने भी ये एक्सपेरिमेंट किया था। कहता है 1980s के अंदर क्या होता है कि हमने जो है ना 1980s के अंदर जो कारें हैं ना, कारें, उनके जो कारों की मिसाल यहाँ पर वो आपको मेंशन करता है, कार की मिसाल, कि कार हम जो है वो कार्स इंपोर्ट करते थे, तो हमने कहा क्यों ना अपनी कार इंडस्ट्री को बेहतर किया जाए। तो हमने 1980s के अंदर फिर क्या किया, हमने जो बाहर से कारें इंपोर्ट की जाती थी ना, उनके ऊपर हमने हायर ड्यूटीज लगा दी बहुत ज्यादा, यानी कि ड्यूटीज बढ़ा दी इम्पोर्ट कार्स के ऊपर, ठीक है ना, उसके कंपोनेंट्स के ऊपर, कार्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी, लेकिन जो कंपोनेंट्स के स्पेयर पार्ट्स मंगवाते हैं उनके ऊपर हमने ड्यूटी क्या कर दी, कम कर दी, ठीक है ना। जैसे कि इंजन अगर मंगवा रहे हैं, ट्रांसमिशन चीजें मंगवा रहे हैं, विंडशील्ड मंगवा रहे हैं, और इसी तरह से फिर हमने क्या किया, इनके ऊपर क्या कर दी, हमने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी। क्यों कम कर दी, ताकि जो हमारी लोकल कार है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। तो कहता है ये जो स्ट्रेटजी रही ना, दिस टैरिफ प्रोटेक्शन पेड कंज्यूमर्स थ्रू हाई बिल, यानी कि इन्फेंट इंडस्ट्री, इन्फेंट इंडस्ट्री यानी कि इन्फेंट बोल रहा है छोटे बच्चे को। अब यहाँ पर मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, वो ज्यादा आपको समझ आ जाएगी। मेहरान कार थी पाकिस्तान में, और दूसरी तरफ मैं करोला बात कर लेता हूँ जो कि टोयोटा कंपनी की है, ठीक है। अब यहाँ पर अब मुझे नहीं मेहरान के रेट का पता, लेकिन पहले जो था अब इसको बंद किया गया, मेहरान तो बननी बंद हो गई है ना, जब इसको बंद किया गया था तब इसका 8 लाख के करीब थी, और इसकी प्राइस थी तकरीबन 2023 की बात, 2023 लाख के करीब, डेट उस वक्त जब इसकी 8 लाख थी। अब तो ये बंद ही हो चुकी है, अब लेटेस्ट प्राइस की बात नहीं कर रहा। अब जो है ये मेहरान कार बिल्कुल नाकस क्वालिटी की थी, लेकिन ये 8 लाख की थी। अब अगर करोला कार जो है वो 23 लाख की है या 22 लाख की है, तो ये वाली करोला कार अगर आप जापान से, अगर आप सऊदी अरेबिया जाकर परचेज करते हैं, तो यही करोला कार आपको हो सकता है 6 लाख में मिल जाए, ठीक है। वो क्यों, वाय सऊदी अरब में ये 6 लाख की है, जापान में भी ये 6 लाख की है या 5 लाख की है, पाकिस्तान में आके में 23 लाख की हो जाती है। उसकी जब रीजन पूछी जाती है तो वो ये पूछी जाती बताई जाती है, जो जो इसने डिस्कस की है, और वो रीजन ये होती है कि जनाब अगर हम इसके ऊपर, ये हम बकाया 6 लाख की गाड़ी है, इसके ऊपर हमने 14 लाख रुपया क्या कर दिया है, टैक्स लगा दिया है, और ये टैक्स जब ये पोर्ट के ऊपर आती है तो टैक्स इसको देना पड़ता है, टैक्स क्लियर करके फिर ही आती है पाकिस्तान में, ठीक है। अब अगर हम ये नहीं लगाते तो फिर ये अगर 6 लाख की जापान से गाड़ी आ रही है, तो ये 8 लाख की कौन खरीदेगा जो पाकिस्तान में बन रही है, इसको तो कोई भी नहीं खरीदेगा। तो ये भाई जो कार इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद हो जाएगी, और पाकिस्तान की जो कार इंडस्ट्री है वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम जो करते हैं इन गाड़ियों के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा देते हैं कि लोग जो हैं उनको हम डिस्करेज करते हैं कि वो ये वाली गाड़ी ना मंगवाएं, और दूसरा फिर इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी कंपिटेटिव रहे, कि लोग जब कंपैरिजन करेंगे कि अच्छा यार ये 8 लाख की है, ये 20 लाख की है, तो चलो ये सस्ती है, मैं ये परचेज कर लेता हूँ। तो बेसिकली हम अपनी लोकल जो कार इंडस्ट्री है, जिसका उसने इसको इन्फेंट इंडस्ट्री कहा है, उसको हम क्या दे रहे होते हैं, टाइम दे रहे होते हैं कि वो ग्रो हो, और ग्रो होने के साथ साथ वो क्या करे, उस लेवल पर आ जाए कि वो दूसरी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका कम्पीट उसके साथ कम्पीट कर सके। तो ये वजह होती है जिसकी वजह से हम जो है ये इतना ज्यादा टैक्स जो है वो लगाते हैं। ये पाकिस्तान ने अपनी मिसाल दी है।
अब सऊदी अरेबिया में अगर आप चले जाएं तो वो ये टैक्स नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि उनकी कार इंडस्ट्री तो है ही नहीं ना, उन्होंने सोचा कि हमने कार इंडस्ट्री लगानी है, और दूसरी उनको इन पैसों की जरूरत भी नहीं है, वो ऑयल से काफी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। और आगे जाकर इसी ओपिनियन के अंदर वो ये भी बताता है कि पाकिस्तान की एक और प्रॉब्लम भी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान इम्पोर्ट को खत्म नहीं कर सकता, वो ये है कि पाकिस्तान सारी का सारा जो टैक्स है वो इम्पोर्ट ही तो इकट्ठा करता है सारा रेवेन्यू, कि जो चीजें इम्पोर्ट की जाती है उनके ऊपर, जैसे कार है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, रॉ मटेरियल है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, तो हमारा सारा बजट तो डिपेंड ही टैक्स के ऊपर है, और टैक्स भी कौन सा, जो इम्पोर्ट वाली चीजों के ऊपर हम लगाते हैं, ठीक है ना? तो ये हम तो फिर कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, हम तो कभी भी बेहतर नहीं कर सकते, ये आगे जाकर ये डिस्कस करेगा। तो अभी के लिए क्या है, वो यही बात आपको बताना चाह रहा है कि हमारी जो कार इंडस्ट्री थी वो इतनी कमजोर थी, तो हमने 1980 के अंदर ये फैसला किया कि हम जो बाहर से गाड़ियां मंगवाएंगे उनके ऊपर हाई टैक्स लगा देंगे, और जो पुर्जे हैं उनके ऊपर हम टैक्स कम कर देंगे, ताकि क्या हो, यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सके, यहाँ पर जो है ये काम हो सके। तो लेकिन उससे क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अब कितनी डिकेड्स भी गुजर गई लेकिन फाइनली जो है कोई बेनिफिट नहीं मिला पाकिस्तान को। लेकिन कहता हमारी जो अपनी कार इंडस्ट्री है वो उस लेवल पे तो नहीं आई कि इंटरनेशनल जो गाड़ी अपना इंडस्ट्रीज है उनके साथ कार इंडस्ट्री जो है मुकाबला कर सके, लेकिन कुछ बेनिफिट्स हमें जरूर मिल गए। अब वो बेनिफिट्स क्या हैं, उन बेनिफिट्स में वो कहता है कि हमने क्या हुआ कि यहाँ पर क्या कर दिया, डेवेल्प ए वाइब्रेंट इंजीनियरिंग एंड वेंडर इंडस्ट्री, एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हमारी जो है वो यहाँ पर डेवेल्प होगी। हम लोगों ने लोगों को इससे क्या दी, नौकरियां दी, जॉब्स लोगों को मिली, हमने सेव किया कि एक्सचेंज कंपेयर टू इम्पोर्टिंग बिल्डिंग कार्स, फॉरन एक्सचेंज हमने कुछ जो है वो भी बचा लिया, क्योंकि हर बंदा तो इतनी महंगी कार नहीं ना मंगवाएगा, कुछ तो सस्ती भी ले लेंगे, वैसे तो हर बंदे ने बाहर से मंगवानी थी अगर 6 लाख या 8 लाख की बाहर मिल जाती, तो कुछ हद तक हमने क्या किया, फॉरन एक्सचेंज भी अपने जो रिजर्व जो है वो उनको भी हमने बचा लिया, और इसके अलावा हमने काफी हद तक जो है ये जो बाहर से गाड़ियां मंगवा रहे थे उससे हमने क्या कर लिया, टैक्स भी इकट्ठा कर लिया। तो ये कुछ कहते हैं हमें कोई इससे बेनिफिट्स भी जरूर हुए। और डाउन स्लाइड इट, अगर कहते हैं अब इससे नुकसान भी कुछ हो चुके हैं, वो क्या है, कहता है इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स जो है हमने ऑलमोस्ट नो एक्सपोर्ट फ्रॉम दिस सेक्टर, कहते हैं हम बाहर से इम्पोर्ट तो बहुत ज्यादा कर रहे थे कंपोनेंट्स, ठीक है ना, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें जहर सारे यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स तो नहीं ना मिलते, तो हम बाहर से बहुत ज्यादा इम्पोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन हम कोई ऐसी गाड़ी बना नहीं सके जिसको हम क्या कर सकते, एक्सपोर्ट कर सकते, ठीक है ना। तो उससे भी क्या हुआ, जो पुर्जे मंगवाने पे पैसे थे उससे भी क्या हुआ, फॉरेन रिजर्व्स हमारे जो थे वो लग जाते थे, यानी कि हमारा डॉलर जो था वो खत्म खर्च हो जाता था। वो कहता है ये सिर्फ कार इंडस्ट्री नहीं, हर एक इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसे ही है कि हम बाहर से पुर्जे मंगवाते हैं, बाहर से मटेरियल मंगवाते हैं, यहाँ तक कि आप कॉस्मेटिक मंगवाते हैं, ये तो मैं अपने से बता रहा हूँ, कॉस्मेटिक कोई भी चीज़ है बाहर से मंगवाते हैं, उनके ऊपर लेबल लगाते हैं, यहाँ पर आप उनको बेचते हैं तो यहाँ पर वो कंज्यूम हो जाती है, लेकिन हम बाहर से कोई ऐसा रॉ मटेरियल मंगवा कर उसको इस काबल नहीं बनाते कि हम उसको दोबारा से एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये वो चीज़ यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर ये नुकसान हमको जरूर हुआ है। वो कहता है मैंने कार की आपको मिसाल दी है समझाने के लिए, ठीक है ना, तो आप जो है और मसाले भी ले सकते हैं, जैसे एयर कंडीशन की कहता है मसाल ले लें, यही है, शैम्पू की मसाल ले लें, कैंडीज की मसाल ले लें, और इसी तरह से कुछ और जो दूसरी गुड्स हैं उनकी मसाल ले लें, हर जगह पर आपको यही चीजें जो हैं वो समझने में मिलेंगी कि हम क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं टैरिफ, ठीक है ना, किसी लिए कि प्रोटेक्ट करें मैन्युफैक्चरिंग कैटरिंग को, ठीक है ना, लेकिन जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर ग्रो ही नहीं करती, वो स्मॉल की स्मॉल ही रहती हैं, छोटी की छोटी ही रहती हैं, और इस वजह से क्या होता है कि ये कहता है इम्पोर्टेंट रीजन है कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो क्यों इतनी कम है, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट रीजन कि क्यों का एक्सपोर्ट पाकिस्तान की कम है। तो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है और पाकिस्तान ने बड़ा जो है वो मंगवाए भी हैं, पुर्जे फैसिलिटीज भी दी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है पाकिस्तान के अंदर उस लेवल की जो है वो नहीं बनी चीज़ें कि वो उनको एक्सपोर्ट कर सके। और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान की जो अप्रोच है कंपनीज की यहाँ पर वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो मल्टीनेशनल लेवल तक भी सोच सकें। आगे दूसरी जो स्ट्रैटेजी थी वो ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इम्पोर्ट वाली स्ट्रैटेजी थी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट वाली, नंबर वन वाली, कि हम घर में जो वो चीज़ें जो इम्पोर्ट करते हैं वो घर में बना लें, तो वो हम उसमें फेल हो चुके। अब दूसरी की बात करता है, दूसरी कौन सी है, दूसरी है एक्सपोर्ट वाली, एक्सपोर्ट प्रमोशन।
तो हम फिर अपनी एक्सपोर्ट ही बढ़ा दें, ठीक है ना, बेशक बाहर से पुर्जे ले लें, एक्सपोर्ट ही बढ़ा दें। तो उसमें वो क्या कहता है, कहते हैं कि ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना, मेक मैन्युफैक्चरर बेटर ऑफ सेलिंग फॉरेन कस्टमर्स देन लोकल वन, इसमें क्या है कि आपने लोकल बंदों को नहीं बेचना, बल्कि क्या करना है, फॉरेन कस्टमर को चीजें बेचनी है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, पॉलिसीज डेट फेवर एक्सपोर्टर्स, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिसमें जो है एक्सपोर्टर्स को क्या हो जाए, फेवर मिले, जैसे चीप क्रेडिट उनको क्रेडिट दिया जाए, लो टैक्स उनको दिया जाए, यानी कि उसके ऊपर जो एक्सपोर्ट वाली चीजें हैं टैक्स थोड़ा लगाया जाए और उनको क्रेडिट की सहूलत भी दी जाए। ये दो काम आप करें। और आगे वो ईस्ट एशियन स्टेट्स की बात करता है, ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर जापान, चाइना वगैरह, जापान वगैरह सारे आ जाते हैं। तो कहता है उनकी जो स्ट्रेटजीज है ना, उन्होंने जो अपना इम्प्रेसिव ग्रोथ किया एक्सपोर्ट इस स्ट्रेटजी के अंदर, बहुत तेजी से उन्होंने किया। लेकिन कहता है कि बट इवन पाकिस्तान जो है ना, उसने भी यानी कि मैनी ऑफ द सेम इंसेंटिव्स वी हैव नॉट बीन एबल टू इंक्रीज एक्सपोर्टर। लेकिन वो कहता है कि पाकिस्तान अभी भी जो है ना उस लेवल पर नहीं पहुंचा। तो फाइनली वो ये बताता है कि जो बोथ स्ट्रेटजीज है ना, उसके अंदर पाकिस्तान जो है इंपोर्ट वाली भी और एक्सपोर्ट वाली भी, दोनों में क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। एंड आगे वो चलता है, कहता है कि सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है, ओनली होल्डिंग बैक एक्सपोर्ट, कहता है कि सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से क्या है एक्सपोर्ट जो है वो कम है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब ये वाले फैक्टर्स आप बेशक कि क्यों पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम है, आप बेशक जो है ये कॉपी के ऊपर राइट डाउन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर कि वाई द एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्यों कम है। उसके अंदर वो बात करता है कि उसके अंदर क्या है, नंबर वन वो कहता है नॉन रिलायबल एंड एक्सपेंसिव प्रोविजन ऑफ एनर्जी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक एनर्जी का जो इशू है उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम है। उसके बाद पीरियोडिकल ओवर वैल्यूड रुपीड रुपी की जो रुपी है, रुपया है हमारी करेंसी है, वो ठहरता ही नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसके वजह से भी डॉलर भी नहीं ठहरता, तो कभी ऊपर कभी नीचे, तो जो बिजनेस कर रहे हैं उनको पता है ये बड़ी एक सरदर्द होता है। अभी आप एक टेंडर भर के आते हैं, बाद में फिर मसला बन जाता है, डॉलर की वजह से बड़ा फिर परसेंटेज में डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम नहीं उस लेवल तक पहुंच रही। एंड लॉ एंड ऑर्डर इशू, पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर इशू है वो है, यानी कि सिक्योरिटी, वेव ऑफ टेररिज्म दोबारा से शुरू हो रही है, TTP दोबारा अटैक कर रहा है आपके आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर, आपके जो लॉ एनफोर्समेंट वाले हैं उनके ऊपर। तो ये जो वेव ऑफ टेररिज्म है ना, ये बड़ी डिस्करेज करती है। अब इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि प्रिवेंट फॉरेन बायर्स फ्रॉम विजिटिंग पाकिस्तान, कि जो भी बाहर का बंदा है, वो जो भी है कस्टमर है आपका जिसने चीजें खरीदनी है, वो पाकिस्तान नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं आम बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा, मैं जो अलीट बिजनेस क्लास है उसकी बात कर रहा हूँ। दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। और इसी तरह कहता है, तो कहता है ये तो चीजें ठीक हो गई है ना, लेकिन कहता है बट आई वांट टू डिस्कस हाउ बाय परसुइंग बोथ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन साइमल्टेनियसली वी मेस थिंग्स अप। कहता है ये चीजें ठीक है, मैंने आपको बता दी, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये आपके साथ डिस्कस करूं कि किस तरह से हम लोगों ने ये दोनों चीजों को परस्यू करके तो क्या कर दिया है, तबाही कर दिया है, कि ना हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट पैदा करने जोगे रह गए हैं और ना हम एक्सपोर्ट करने जोगे रह गए हैं। अब ये हुआ कैसे है, कहता है पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा मकसद है मैं आप लोगों को ये चीज जो है वो एक्सप्लेन करूं। तो यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल देता है आपको जिपर की, ठीक है ना, जिप जो होती है, जिपर मैन्युफैक्चरर जो भी जिपे वगैरह बनाते हैं उसकी मिसाल देता है। कहता है उसकी मिसाल दे दो, कहता है उसकी मिसाल दे के मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। कहता है वो क्या करता है कि अब इस जिप बनाने के अंदर क्या है, वेरियस किस्म की मेटल्स कहता है इस्तेमाल होती हैं। तो कह लेते हैं कि 5% ड्यूटी के ऊपर जो है ये आपको परचेज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं जिपर्स। अब जो है वो अगर एक यहाँ पर पाकिस्तानी जिपर्स जो है वो बनाता है ना, तो वो क्या गवर्नमेंट के पास जाएगा और कहेगा कि जनाबे अली जो बाहर से जिप जो है इंपोर्ट हो रही है ना, उनके ऊपर आप 15% जो है ना क्या कर दें, ड्यूटी लगा दें, ठीक है ना, उन जिपर्स के ऊपर जो बाहर से आ रही है। क्यों लगा दें, ताकि जो है मैं जो जिपें बना रहा हूँ मेरी भी सेल हो जाए, मैं भी कम्पीट कर सकूँ। तो अब पाकिस्तानी जो है ना वो ये बात तो कर देगा, अब लेकिन अज्यूमिंग पाकिस्तान से, अब ठीक है उसने ये बात कर दी, उसने जिपें बनाने शुरू कर दी, सारी वैरायटी की जिपें उसने बनानी शुरू कर दी। अब बाहर से अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं, इंपोर्ट करता है कोई बंदा जिप, तो उसको 15% जो है ना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा।
तो इसके ऊपर क्या होता है, अब जो गार्मेंट्स वाले हैं जहर वो पैंटे बनाएंगे, वो जिपर लगाएंगे ना, या किस जो जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अब वो बगैर ये चीज सोचे, बगैर ये चीज समझे कि इस जिपर की क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है ना, वो भी गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, ठीक है ना। और वो जो भी गार्मेंट्स वाले हैं वो ये नहीं देखेंगे कि इस जिपर की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, वो क्या करेंगे, वो भी गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे और जाकर कहेंगे जनाब हम जो है ना ये 15% आप जो इम्पोर्ट लगा रहे हैं ये हम नहीं दे सकते, हमें जो है एक्सपोर्ट महंगी पड़ती है, तो लिहाजा आप इसको वापस लें और हम ताकि जो है गारमेंट्स वो जो है ना बनाएं और हम जो है वो सेल करें और पाकिस्तान को फायदा हो। तो हुआ क्या कि बगैर ये देखे कि जो पाकिस्तान के अंदर जिप बन रही है वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं है, उसको जज किए बगैर उन्होंने क्या फैसला कर दिया कि नहीं जी हमने बाहर से इम्पोर्ट करनी है और इधर से नहीं लेनी, और ये 15% जो है इसके लिए वो कहाँ चले गए, ये भी गवर्नमेंट के पास चले गए कि इसको जनाबी खत्म करें। तो कहता है कि फिर क्या करता है, सो द गवर्नमेंट अलाउज देम टू इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट जिपर्स, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट उनको क्या कर देती है, और लोग कर देती है कि ठीक है भाई फिर तुम ड्यूटी फ्री ही हम आप लोगों को मंगवा देते हैं, तो ड्यूटी फ्री मंगवाते हैं और उसके बाद वो जिपें लगाते हैं और वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो उससे उसका रिजल्ट क्या होता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो स्टिल हैव टू बाय इम्पोर्टेड जिपर, जो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर हैं वो अभी भी पहले इम्पोर्ट करेंगे जिप को, उसको फिर लगाएंगे और फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो यही चीज जो है वो चल रही है इसी तरह से। तो ये इस तरह के और भी बड़े मामले आते हैं जिसके अंदर ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते। आगे जी, आगे वो कहता है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी की बात करता है, उसके ऊपर वो कहता है क्या बना है, अवर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ओवर द इयर्स, कहता है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो बड़े सालों से ये कोशिश कर रही है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी हो, लेकिन कहता है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी बनेगी कैसे, ठीक है ना, ठीक है ना। कहता है प्रॉब्लम ये है कि हमारा हाफ ऑफ अवर टैक्स रेवेन्यू, जो हाफ से ज्यादा जो टैक्स रेवेन्यू वो कहाँ से आ रहा है, कहता है वो हाफ से ज्यादा जो टैक्स रेवेन्यू है वो हमारा आ ही यहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है, पोर्ट से आ रहा है, और पोर्ट से कुछ चीजों पे आ रहा है जो हम इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि हमारी जो पोर्ट्स हैं हमारी जो बंदरगाहें हैं वहां पे जो हम जो है बाहर से हम चीजें मंगाते हैं इम्पोर्ट करते हैं उनकी जो कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गई, ठीक है, सेल टैक्स हो गया, विद होल्डिंग टैक्स हो गया, तो यहां से हम क्या करते हैं पैसे इकट्ठे करते हैं और इन पैसों को हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ द रेवेन्यू तो हमारा यहाँ से आ रहा है, तो हम कैसे प्रमोशन जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कहता है हमारा पूरे का पूरा जो टैक्स सिस्टम है ना वो डिपेंड कर रहा है कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट से टैक्स जो है कलेक्ट करने पे, देयर फॉर द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट स्ट्रेटजी इज नॉट प्रपोज्ड बिकॉज वी वॉन्ट टू बट बिकॉज वी, यानी कि इस वजह से हमारी ना कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट बल्कि एक्सपोर्ट वाली भी फेल हो चुकी है। और यही वजह है कि जब भी NFC अवार्ड की बात होती है तो सिंध ज्यादा पैसे मांगता है, क्यों, सिंध कहता है मैं आपको 65% के करीब टोटल कमा के देता हूँ, कहाँ से कमा के देता है, पोर्ट से कमा कर देता, ठीक है ना। तो ये बात वो यहाँ से भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि यही स्ट्रेटजी है, कैसे होगी हमारी स्ट्रेटजी, कोई हाल नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर पैसे तो हम कमा ही वहां से रहे हैं। तो कहते हैं हाउ डू वी गेट आवर एक्सपोर्ट टू फाइनली इंक्रीज, फिर कैसे अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, अब कोई हल भी तो होना चाहिए ना। फिर वो कहता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करता है, ये हैज डन वेल इन स्पाइट ऑफ, कहता है हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा किया इसके बावजूद के जो मिल्स हैं ना वो इम्पोर्ट करती हैं, क्या करती हैं, कॉटन इम्पोर्ट करती हैं, उनको गैस नहीं मिलती पंजाब के अंदर, एक्सपेंसिव लैंड उनको और पानी उनको मिलता है कराची के अंदर, और टेक्सटाइल का नॉट बी ओनली इंडस्ट्री डेट एक्सपोर्ट्स, कहता है कि हमें टेक्सटाइल सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बनानी चाहिए जो कि एक्सपोर्ट करने, बल्कि हमें डिवर्सीफाई करना है चीज़ों को, पहले नंबर पर क्या करना है कि चीज़ों को डिवर्सीफाई किया जाए कि और ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बनाई जाएँ, और उसके बाद क्या किया जाए को जो है एक तो डिवर्सीफाई किया जाए, दूसरे नंबर के ऊपर इनको क्या किया जाए एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट्स दिए जाएं, यानी कि उनको चीप लोन दिए जाएं एक्सपोर्टर्स को जो एक्सपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा जो कहता है कि जो हम इंसेंटिव उनको देते हैं ना जो इंक्रीज कर रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट को, उनको क्या किए जाए इंसेंटिव दिए जाएं। वर्ल्ड बैंक स्टडी ने कहा है कि फिर्म ने
इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट के, जिनको हम जो वो वाले जिनको कई एक्सपोर्टर ऐसे हैं उनको हम इंसेंटिव देते हैं, लेकिन उनकी वजह से भी कोई एक्सपोर्ट के अंदर बेनिफिट नहीं हो रहा। तो हमें अब करना क्या है कि 10% जो है ना सुपर टैक्स लगाना चाहिए उन कंपनीज के ऊपर जो कि बाहर से, तो देखें कोई भी चीज़ यहाँ पे बन रही है तो बाहर से पहले क्या किए जाते हैं, पुर्जे इम्पोर्ट किए जाते हैं। अब वो पुर्जे जो इम्पोर्ट किए जाएंगे वो आप डॉलर के अंदर इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनसे वो कोई चीज़ बनाते हैं और यहीं पाकिस्तान में सेल कर देते हैं। लेकिन उन को जो वापस कम से कम अगर $100 के उन्होंने पुर्जे मंगवाए हैं, तो कम से कम $100 की वो एक्सपोर्ट भी अगर कर दें तो चलो उससे एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि जीरो जीरो की बात हो जाएगी, फौरन जो आपके डॉलर है वो $0 पे आ जाएगा। यानी कि ना आपने को भेजा, $100 के पुर्जे मंगवाए और चीज बनाई, उसके बाद कम से कम $100 की उन्होंने वापस भेज दी, तो आपका नेट जीरो हो गया। कहते कम से कम इतना तो कर दें, लेकिन जो ये नहीं ना कर रही उनके ऊपर आप 10% के हिसाब से जो है सुपर टैक्स लगाएं, उनको बेनिफिट्स ना दें। इस तरह की आप लोग पॉलिसीज बनाएंगे तो फिर ही होगा। फिर वो बिजनेसमैन की बात करता है, कम से कम 25% वो जरूर एक्सपोर्ट करें जो भी यहाँ पर हैं। ये पॉलिसी आप बना दें कि कोई भी फैक्ट्री जहाँ पर जो काम कर रही है वो कम से कम 25% जो भी है उसको एक्सपोर्ट वो जरूर करेगी। तो इस तरह की जो कहता है पॉलिसियां बनाएंगे तो फिर ही हम लोग जो है वो तरक्की कर सकेंगे। और इसी तरह कहता है इन शॉर्ट हमें जरूरत है कि हम फोकस करें एक्सपोर्ट पर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर इंडस्ट्री हो, दोनों के ऊपर। एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमको फोकस करना चाहिए और इंडस्ट्री के ऊपर। एग्रीकल्चर की आपको मैंने बात बताई कि हम लोग यूक्रेन से क्या कर रहे हैं, गंदम मंगवा रहे हैं। तो ये था जनाबी अली इसके अंदर वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट की बात करता है और एक्सपोर्ट की जो प्रमोशन की बात करता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ताकि हम जो है वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें। नो, अब चलते हैं अपने सेकंड जो है ओपिनियन की तरफ। जी, व्हेन द पाई श्रिंक, बड़ा ही प्यारा लिखा है जी इन्होंने, क्या बात है इनकी। और खुरम हुसैन साहब हैं, इकोनॉमी की बात करेंगे, मेन आपका टॉपिक रहेगा इकोनॉमी, ठीक है। और आगे वो तीन चीजें डिस्कस करेंगे, स्टेट, बिजनेस एलीट और पुअर। क्रक्स आपको इसका बता देता हूँ, यही होगा इसका क्रक्स। वो कहता है कि जो गवर्नमेंट है ना, इकोनॉमी आती है, द स्टेट एंड इकोनॉमी आर बोथ फाइंडिंग स्टेबिलिटी स्क्वेयरली ऑन द बैक ऑफ द पुअर। कि इकोनॉमी भी ठीक हो जाती है, हम कहते हैं कि इकोनॉमी खराब है, इकोनॉमी तबाह है, और उसके बाद देखते हैं कि गवर्नमेंट सारे काम भी कर रही है, लेकिन IMF का पैकेज भी आ जाता है, हमें पैसे भी मिल जाते हैं, पैसे पाकिस्तान में भी आ जाते हैं, सब कुछ बदल रहा है, प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं, नए नए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी लगा रही है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो पुअर है असर असर तो उसको पड़ता है। उसको IMF का पैसा आता है, उसको कोई फायदा नहीं मिलता। IMF का पैसा आता है, दूसरा पैसे हम उधार लेते हैं, पूरी दुनिया से हम उधार मांग रहे हैं, कर्जा हमारा चढ़ता जा रहा है, लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद जो एक गरीब आदमी है उसको तो उसमें से कुछ नहीं मिलता। तो वो जो पैसा है वो जाता कहाँ है भाई, उस पैसे से फायदा कौन लोग लेते हैं, किन के लिए है वो पैसा, पाकिस्तान के किन लोगों के लिए वो पैसा है, किसके लिए है? क्योंकि गरीब आदमी को तो हमारे सामने है कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि जो इसके पास होते हैं वो भी ये छीनने की कोशिश करते हैं टैक्स लगा लगा कर। तो ये बात वो करता है, और क्रक्स वो ये बताता है कि जनाब तीन चीजें हैं, एक है स्टेट, बिग बिजनेस, स्टेट कह लें, गवर्नमेंट कह लें, और पुअर। कहते हैं कि जितनी मर्जी जो है इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाए, हम कह रहे हैं इकोनॉमी मर गई, इकोनॉमी तबाह हो गई, हम डिफॉल्ट हो गए, जो मर्जी हो जाए, बिग बिजनेस पॉजिटिव मैंने साइन लगाया, यानी कि इसको फायदा होता है, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, गवर्नमेंट भी खाती पीती रहती है, लेकिन सिर्फ गरीब बंदे को कोई फायदा नहीं होता, गरीब बंदे को नुकसान होता है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि ये ऊपर वाले दोनों जो हैं ये अगर इंजॉय करते हैं तो वो किस पर करते हैं, ये जो आम इंसान है ना इसके ऊपर इंजॉय करते हैं, इससे पैसे ये खींच के खुद इंजॉय करते हैं। कैसे खींचते हैं वो आपको इस ओपिनियन के अंदर मैं बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कहता स्टेट है, इकोनॉमी है और लोग हैं, ये दो तीन लो चीजें हैं। अब ये क्या होते हैं, रिसोर्सेज जो है ना, मुख्तलिफ जो कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं, ये तीनों जो है उनको खींचते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर। स्टेट अपनी तरफ खींचती है, इकोनॉमी अपनी तरफ खींचती है, लोग अपनी तरफ खींचते हैं, एंड फाइनली जो है क्या कहता है कि
जब IMF का प्रोग्राम जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर पता चल जाएगा ये किसकी तरफ जाते हैं। कहता स्टेट को चाहिए रेवेन्यू, इकोनॉमी को चाहिए लिक्विडिटी और लोगों को चाहिए इनकम, इन तीनों की ये जरूरत है। और आगे कहता है कि अगर इकोनॉमी बेहतर होगी तो सबको सब कुछ मिलेगा, सारे इंजॉय करेंगे, लेकिन अगर इकोनॉमी बेहतर नहीं होगी तो फिर क्या होगी, ये तीनों के दरमियान खींचातानी होगी, वो स्टेट अपनी तरफ पैसे खींचेगी, इकोनॉमी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेगी, और उसके बाद लोग गरीब अपनी तरफ पैसे खींचेंगे, तो जिसके हाथ में जो लग जाएगा वो उतना ले जाएगा और जाकर उतना इंजॉय करेगा। अब होता क्या था, कहते हैं हर दफा एडजस्टमेंट होती है, ठीक है ना, और उससे यही लगता है, लेकिन देखने में ये एडजस्टमेंट प्रोग्राम तो आते हैं लेकिन शक्ल ही बदलती है, बाकी सारा कुछ वही रहता है। क्या कि ग्रोथ रुकी रहती है, करंसी जो ग्रोथ रुकी रहती है, इंटरेस्ट रेट हमेशा बढ़ जाता है जब भी हम IMF के पास जाते हैं, करेंसी डी वैल्यू हो जाती है, ठीक हो गया जी, और यूटिलिटी आम जो चीजें हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए जाते हैं। तो ये चार पांच काम आप हर दफा IMF का जो भी पैकेज आता है उसके अंदर हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ शक्ल बदल जाती है, होते यही है, इनको आप बेशक ड्राई डाउन कर लेंगे, यही होता है। अब कहते हैं कि फिर अगर यही होता है तो फिर इन इन सूरते हाल के अंदर जो पैसा होता है वो जाता कहाँ है, पैसा फ्लो कहाँ कर जाता है, ठीक है ना, कि कौन से लोग हैं जो ये पैसा जो है जब बिल्कुल खींच कर ले जाते हैं तो फिर जो आपका भी वो है प्याला खाली हो जाता है, तो उस प्याले के अंदर यानी कि कुछ नहीं रहता, तो वो जो पहले उस प्याले के अंदर पैसे होते हैं वो कहाँ जाते हैं। फिर IMF आता है, फिर उस प्याले के अंदर पैसे डालता है ये शर्तें लगाकर, और उसके बाद फिर वो प्याला खाली हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है, वो पैसा जाता आखिर कहाँ। और इन दिनों के अंदर जब इस प्याले के अंदर कुछ भी नहीं था तो तब भी लोगों ने बड़ा पैसा कमाया, बड़ा एंजॉय किया, तो वो लोग कौन है। कहता है कि चलें फिर देख लेते हैं। कहता है इस जुलाई में एडजस्टमेंट जो है वो शुरू हुई थी इस जुलाई के अंदर, और IMF के जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स भी हो गए, रिव्यू भी हो गया सक्सेसफुली, और उसने क्लोजली देखा भी कि जो है रिसोर्सेज है ना, कहता है कि सारा कुछ हो गया, लेकिन कहता है इस महीनों के अंदर रिसोर्सेज जो है वो ड्यूरिंग दीज मंथ जो है कहाँ गए, लुक चले देखते हैं वो कहाँ थे। तो यहाँ पर वो दो तीन चीजें आपको बताएगा कि पैसा कमा कौन रहा है असल में। नंबर वन के ऊपर वो कहता है कि बैंक्स ने जो है ना जुलाई और सितंबर जिन महीनों में हम IMF के तरले पा रहे थे कि हमको यार कुछ पैसे दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा प्याला खाली है, हमारे फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके हैं, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते चीजें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तेल खरीद कर अपनी मशीनरी मुल्क की चलाएं, उन दिनों में जो बैंक्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है हाई प्रॉफिट जो है ना वो उन्होंने कमाया। फिर कहता है कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है ना, उन्होंने क्वार्टरली अर्निंग की बहुत ज्यादा, दूसरे नंबर पे कहता है इन्होंने बड़ा एंजॉय किया, बड़े पैसे कमाए उसी दिनों के अंदर जब पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था, जैसे टॉप लैंड सिक्योरिटीज हैं उन्होंने। उसके बाद कहता है कि कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं और उन्होंने 417 बिलियन रुपीज जो है वो उन्होंने कमाया इन पोस्ट टैक्स प्रॉफिट ऑफ 30 मंथ्स, इन 2-3 महीनों ने उतना कितना कमा लिया, 417 बिलियन, और उनमें से उन्होंने इनमें से यानी कि जो 417 बिलियन रुपीज कमाया था कुछ कंपनीज ने, उनमें से 149 बिलियन जो है 149 बिलियन वो किसका था, टेकन बाय द बैंक सलोन, वो सिर्फ बैंक ले गए थे, यानी कि बैंकों ने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। तो कहता है कि इसका मतलब क्या है कि मेक श्योर अंडरस्टैंड दिस बिफोर मूविंग ऑन। कहता है कि इन चीजों सारी चीजों को मैं डिस्कस करने से पहले कि पैसे कमा कौन रहा है, एंजॉय कौन कर रहा है, यानी कि उन दिनों में जब हम तरले मार रहे थे किसके, IMF के जनाब, पैसे नहीं, और उन महीनों में 2-3 महीनों में ये वाले जो बंदे हैं, बैंक्स जो हैं, कॉरपोरेट सेक्टर जो है, और ये जो सिक्योरिटी कंपनीज जो हैं, ये बहुत ज्यादा पैसा कमा रही थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास से पैसा है ही नहीं, क्योंकि वो जो पैसा हो पाकिस्तान के पास होगा वो तो किसी गरीब के लिए हमने लगाना है ना, किसी डेवलपमेंट के लिए लगाना है, तो हमारे पास उस वक्त पैसा बिल्कुल भी नहीं था। तो कहता है बिफोर इनको डिस्कस करूं हल्का सा बैंक्स को भी मैं देख लूं कि बैंक जो हैं कि किस तरह से
आप समझ लें कि बैंक्स जो है टुक मोर, आप बैंक कितना पैसा ले गया आप ये पहले देख लें। कहता है 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका 1/3 जो प्रॉफिट है वो कौन लेगे, बैंक्स लेगे। 1/3 का मतलब है 33%, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका जितना भी प्रॉफिट था 33% वो कौन ले गया, बैंक लेके। कि कब ले गए, इन द फर्स्ट 3 मंथ्स सिंस द आईएमएफ प्रोग्राम बिगेन, पहले 3 महीने के अंदर जब से आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो आपका शुरू है तब से। और वो कहता है कि कंपनीज में ज्यादातर क्वार्टरली चलता है, हर 3 महीने के बाद वो देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, क्वार्टरली प्रोग्राम चलता है। और इसके अंदर वो फिर बताता है सीमेंट की कंपनी, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, ये सारी वो वाली हैं जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर भी चंगा पला पैसा पाकिस्तान में कमाया है। लेकिन आप अगर गरीब आदमी से पूछेंगे तो वो तो कहीं ही आपको स्टोरी सुनाएगा कि जनाब रुड़ गए, कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो हम तो और गरीब होते जा रहे हैं। और वो सही कहता है, क्यों, क्योंकि असल पैसा तो यही कमा कर लेके जा रहे हैं ना, आपके पास कहाँ से आना है। जब आईएमएफ का भी आएगा तो वो भी घूम के इनके पास ही जाएगा। अच्छा जी, अब आप देख लिया आपने कौन ले गया, जो लिस्टेड कंपनी थी उनसे इतना पैसा कौन ले गया, सीधी सी बात है बैंक ले गई। अब जो बैंक है उसके शेयर होल्डर्स कौन है, ठीक है ना, बैंक भी तो कोई इंसान ही चला रहे हैं ना, कोई आम खुद तो नहीं चलते जा रहे। तो इतना पैसा बैंक जो है 33% पैसा जो है सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रॉफिट वो बैंक ले गए। अब बैंक के शेयर होल्डर जो हैं वो कौन सी थी, ठीक है ना, अब बैंक के भी तो कोई शेयर होल्डर्स है ना, उनको भी तो कोई चला रहा है ना। तो इस रिपोर्ट में ये आता है कि 97 बिलियन वर पेड आउट इन द डिविडेंड्स। अब इसमें से 51 बिलियन जो है वो बैंक्स के लोन थे, पीछे वाले में जो भी चलाया है वो कितने थे, 51 बिलियन। और इसके अलावा इसके अंदर जो है कहते हैं कि कुछ थोड़े से लोग जो हैं आम इंसान जो हैं पीपल जो हैं वो भी अमीर हुए हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट थी बैंक्स के अंदर, और बाकी की बाकी सारी जो बैंक्स के शेयर होल्डर्स हैं वो सारे के सारे अमीर हो गए, यानी कि बिग बिजनेस आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, किसको फायदा हुआ, बिग बिजनेसमैन को, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे जो आम थे ना छोटे मोटे बिजनेस, वो तो फिर रोते रोते रहे, उन्होंने उन्होंने तो कोलैप्स किया ना, उनकी बात वो कहता है, ठीक है ना, और उन्होंने तो कोई उनको फायदा ना हुआ। लेकिन जब ये वाले बिजनेसमैन जो बैंक्स जो हैं इतना ज्यादा 33% ले गए, तो गवर्नमेंट ने देखा, वो तुम लोग किधर चले गए इतने पैसे कमा के, तो फिर आ जाती है गवर्नमेंट की बारी। गवर्नमेंट ने आके ऊपर इनके ऊपर लगा दिया विंडफॉल टैक्स, कि भाई सारे पैसे आप लोगों ने ले जाने, मुझे भी तो दो, मैं यहाँ की गवर्नमेंट हूँ। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल बेसिकली होता है, जैसे मैंने पीछे भी एडिटोरियल में डिस्कस किया, जैसे लॉटरी नहीं लगती किसी की, जैकपॉट, अनएक्सपेक्टेड पैसा आ जाना। तो समझने, ये जो इनके पास पैसा आया ना, जब ये इनके पास एक जैकपॉट इनका लगा, पाकिस्तान के पैसे पैसे आया नहीं है, तो बैंक्स का क्या लग रहा है, जैकपॉट। जब बैंक्स का जैकपॉट लगा तो गवर्नमेंट भी आ गई बीच में, ये भाई सारे पैसे तुम लोगों ने ले जाने हैं, लो हमको भी। तो इन्होंने क्या लगा दिया इनके ऊपर, विंडफॉल टैक्स 47%। 47% तो पहले क्या लगा हुआ था, 40% और गवर्नमेंट ने लगा दिया, इतना और। तो बैंकों ने कहा अगर तुम 40% और लगा दोगे तो 87% सारा, तो फिर सारा तो तुम ही ले जाओगे, मैं क्या करूंगा। तो कहते हैं चलो बैठते हैं मिलके बात कर लेते हैं। तो इनका जो था पहले जो बना हुआ था लात, उसमें था 50% तक लगा सकते हैं आप। तो इन्होंने यानी कि अब इस पे जो 33% जो पैसा कमाया था उसके ऊपर अब गवर्नमेंट लगाएगी विंडफॉल टैक्स, और इनसे गवर्नमेंट भी पैसे ले लेगी। तो अब जो है बिग बिजनेसमैन भी अमीर हो गया, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट के पास भी पैसा आ गया, तो गवर्नमेंट भी अब खुश होगी, उसके पास भी पैसा आ गया, और दोनों के पास पैसा आ गया। इसी चीज को आगे वो डिस्कस करता जाएगा और आपको एक्सप्लेन इस सारे पैरे के अंदर वो करता है कि फिर गवर्नमेंट क्या करती है, वो आईएमएफ से पैसे लेती है, यानी कि ये अब आईएमएफ से, अब इधर से भी गवर्नमेंट ने पैसे ले लिए, अब दूसरा काम था आईएमएफ से पैसे लेना। गवर्नमेंट ने इधर से भी टैक्स ले लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, अब आईएमएफ से भी लेना है। अब आईएमएफ से जब लेना है तो फिर आईएमएफ की शरायत है कि टैक्स लगाओ, टैक्स किसके ऊपर लगाओ, जो जो चीजें मैं कह रही हूँ वो करो। तो गवर्नमेंट ने वो सारी चीजें कर दी, बेशक उससे क्या हो, किसी गरीब का भला हो या नुकसान हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये सारे काम कर दिए तो आईएमएफ ने भी इनको पैसा दे दिया। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जो बिग बिजनेसमैन है
वो भी इंजॉय कर रहा है, उसने भी पैसा कमा लिया, गवर्नमेंट के पास भी पैसा आ गया, गवर्नमेंट भी अमीर होगी। अब वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लगाए, ये जो मर्जी कर ले। अब ये सारे का सारा काम तो हो गया, तो अब वो कहता है आगे जाकर, जनाब अब क्वेश्चन ये है कि ये सारे के सारे काम तो हो गए, दोनों अमीर हो गए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर वो ये क्वेश्चन करता है कि इस सारे मामले के अंदर नुकसान किस बंदे का हो गया, हु सफर, ठीक है ना, किसके बंदे का हो गया, और वाई डज कॉन्फिडेंस स्टिल रिमेन लो। सो द क्वेश्चन इज हु एग्जैक्टली सफर। सादी सी बात है, बिग बिजनेसमैन ने भी पैसा कमाया, ठीक है ना, एलीट ने भी सालों साथ एलीट ने भी कमा लिया, स्टेट ने भी कमा लिया, गवर्नमेंट ने भी कमा लिया, लेकिन अभी भी जब बात करते हैं इकोनॉमी की तो कहते हैं जनाब बहुत बुरी हाल है, बुरे हाल है, इकोनॉमी तबाह है। इसने भी पैसा ले लिया, इसने भी पैसा ले लिया, लेकिन हालात अभी भी बुरे हैं। तो असल में फिर हालात किसके बुरे हैं? हालात बुरे हैं आम आदमी के, पुअर मैन के। अब पुअर मैन में कौन है? पुअर मैन में आपका आता है सैलरीड क्लास, जो सैलरीज लेती है, ठीक है। द आंसर इज सिंपल, द पुअर, द वर्किंग पुअर, द सैलरीड क्लास, जो काम करने वाले लोग हैं वो, जो सैलरी लेने वाले लोग हैं वो। अब होता क्या है इनके साथ, इनकी जो इनकम्स है ना वो बढ़ती नहीं है, बल्कि इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, इनकी इनकम वहीं की वहीं रहती है। करेंसी डीवैल्यू होगी तो इनकी जो इनकम है उसके ऊपर इफेक्ट होगा, इनकी सेविंग्स नहीं होंगी, वो इनकी सेविंग्स जो है कम होती जाएंगी, और उसके बाद और शौक ये लगेंगे, जैसे यूटिलिटी प्राइजेस हैं वो बढ़ती जाएंगी, गैस के बिल बढ़ते जाएंगे, और आगे आगे जाकर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये सारे के सारे किसके ऊपर बर्डन पड़ेंगे? एक आम इंसान के ऊपर, सैलरी क्लास के ऊपर, पुअर मैन के ऊपर। तो अब ये क्यों बनेंगे? क्योंकि आईएमएफ ने कहा टैक्स लगाओ। अब टैक्स किसके ऊपर लगाना है? चीजों के ऊपर। चीजें किसने खरीदनी है? पुअर मैन ने, आम आदमी ने। तो इधर से भी आईएमएफ के कहने से भी स्टेट ने पैसा इकट्ठा कर लिया, स्टेट अमीर हो गई। अलीट क्लास वैसे मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोड्यूसर्स हैं, बैंक्स हैं, उन्होंने बड़ा पैसा इकट्ठा किया, अलीट क्लास भी अमीर होगी, बैंक के स्टेट के पास भी पैसा आ गया, कुछ आईएमएफ की तरफ से, कुछ अलीट के ऊपर जो बैंक्स का पैसा था उसके ऊपर टैक्स लगा कर ले लिया, और बाकी किसके ऊपर सारा बर्डन किसके ऊपर बन गया? पुअर आम आदमी के ऊपर। तो ये दोनों इंजॉय करेंगे। अब आगे क्या होगा? अब ये जो अलीट क्लास है ये इसी तरीके से बिजनेस करती रहेगी, पैसे कमाती रहेगी, और जो स्टेट है वो नए नए प्रोजेक्ट लगाती रहेगी, और वहां से करप्शन करती रहेगी, वहां से पैसे फिर वापस अपने घरों में लेके चली जाएगी, और ये प्याला फिर खाली हो जाएगा, फिर इस प्याले को भरना है स्टेट ने, तो वो फिर इनसे भी कुछ टैक्स लेगा और वो उसमें डाल के फिर वो खा लेगा। और दूसरा पुअर आदमी जो आम इंसान है उसके ऊपर भी टैक्स लगाए जाएंगे, क्यों? क्योंकि आईएमएफ ने कहा, और वो आईएमएफ से भी पैसा लेगा, तो फिर मुल्क कर्जे में इसी तरह से डूबा रहेगा, और ये इसी तरीके से पॉलिसीज जो है वो चलती रहेंगी। सो जनाब ये होता है, आपको समझ आ ही गई होगी कि जब जो पैसा होता है, जो आता है डॉलर, वो जाता कहाँ है, ठीक है, वो स्टेट के पास आता है, और उसके बाद स्टेट लगाती है प्रोजेक्ट्स, और उन प्रोजेक्ट से वो पैसा निकालती है इससे बाहर, और फिर करप्शन करके वो ले जाते हैं अपने घरों में, और उन्हीं के अंदर वो अलीट क्लास बैठी होती है, और फिर जब वो प्याला खाली हो जाता है तो उस प्याली को भरने के लिए दोबारा आईएमएफ के पास जाया जाता है, फिर आईएमएफ कहता है जनाब टैक्स लगाओ, ठीक है, और ये वाली सहूलियाँ खत्म करो, ये सब्सिडीज खत्म करो, और वो किसकी होती हैं? आम इंसान की, वो खत्म की जाती हैं, उससे टैक्स लिया जाता है, तो आम आदमी फिर टैक्स देता है, फिर वो टैक्स जाता है दोबारा आईएमएफ को भी राजी करते हैं, हाँ ठीक है, और आईएमएफ की शरारत के बाद फिर पैसे वापस डॉलर की शक्ल में इस प्याले में जाते हैं, यहाँ से फिर स्टेट निकालती है, और स्टेट कौन है? अमीर लोग, और फिर वो प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं और करप्शन करते हैं और इंजॉय करते हैं। और फिर इस तरह से क्या होता है कि जब कभी भी कुर्बानी देनी पड़ती है तो वो अमीर को नहीं देनी पड़ती, हमेशा गरीब को ही देनी पड़ती है, गरीब से कुर्बानी, वो गरीब कुर्बानी देता नहीं, उसको जबरदस्ती उससे कुर्बानी ली जाती है। सो दैट इज द रियलिटी, और यही था इसके अंदर। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है आपका थर्ड ओपिनियन, जिसके अंदर वो गजा की बात करेगा, वो इंटरनेशनल ह्यूमनिटेरियन लॉ की बात करेगा, बड़ा प्यारा लिखा है इसने, और थोड़ा सा आपको इसमें बात करेगा, पहले गजा की, इंटरनेशनल ह्यूमनिटेरियन लॉज की, फिर लॉज की थोड़ी सी हिस्ट्री बताएगा, और फिर उसके लॉज को थोड़ा सा डिटेल में बताएगा, और फिर इसराइल को बताएगा कि क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर वो बात करेगा। तो चलें जी इसको हम अब शुरू करते हैं।
सो जी वो कहता है कि वर्ल्ड वार टू को जब खात्मा होता है ना, एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू, एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार टू, तो अलाइड पावर जो जीत जाती हैं वो फैसला करती हैं कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाते हैं लंदन, अंडर द लंदन और लंदन चार्टर एट नोरेमबर्ग एंड लेटर टोक्यो। किस लिए बनाते हैं? ताकि जो नाजी जर्मनी थे ना उनको, के जो भी नाजी जर्मनी वाले थे और जो इंपीरियल जापान वाले थे जिन बंदों ने वर्ल्ड वार टू के अंदर ये सारे काम किए हैं, जो मुजरम है उनको किया क्या किया जाए, उनका ट्रायल किया जाए और उन लोगों को सजा दी जाए। ठीक हो गया। अब इसमें पहले तो क्या किया जाता है कि इन ट्रायल्स को तीन कैटेगरीज के अंदर जो है वो तो थ्री कैटेगरीज की बना देते हैं। ठीक है। अब पहले क्राइम्स, वो वाले क्राइम्स अगेंस्ट पीस हुए, वार क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये तीन वो मेन कैटेगरीज बना देते हैं कि जनाब इनके अंदर हम इनको क्या करेंगे, वन टू और थ्री हम क्या करेंगे, इन क्राइम्स को डिफाइन कर लेते हैं। जो वार क्राइम से ना, ठीक है ना, जो कन्वेंशनल वार क्राइम से, उन्होंने कहा कि इनको हम देखेंगे इंटरनेशनल लॉ की वार मुताबिक, को जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हम इन लोगों को देखेंगे। कहता है तो फिर वार एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, क्राइम्स अगेंस्ट पीस, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वर गिवन ग्रेटर मीनिंग्स। कहते उस वक्त जो क्राइम्स अगेंस्ट पीस थे या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थे ना, उनको उनके ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो कहता है फिर आगे वो डिस्कस करता है, कहता है क्राइम अगेंस्ट पीस जो थे ना इन लंदन चार्टर, उसके अंदर क्या थे कैटेगराइज, क्या थे, प्लानिंग, प्रिपरेशन, इनिशिएशन और वेजिंग ऑफ वार ऑफ अग्रेशन और वार इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स और अश्योरेंस, कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उनकी वायलेशन करके आप लोग क्या करेंगे, वार करेंगे, तो वो वार होगी, क्राइम्स होंगे अगेंस्ट पीस। इसी तरह से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उनको उन्होंने कैटेगराइज किया गया, जैसे मर्डर कर देना, एक्सटर्मिनेशन कर देना, एंस्लेवमेंट कर देना, डिपोर्टेड कर देना, निकाल देना, एंड अदर इनह्यूमन एक्ट्स, कोई भी ऐसा काम जिससे क्या हो जाए आप लोग दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं, सिविलियन पॉपुलेशन को, ठीक है ना, जंग के दौरान, ठीक है ना, प्रोसिक्यूशन उनकी कर देना ऑन पोलिटिकल, रेशियल और रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर, किसी भी वजह से आप उनको क्या करें, सिविलियंस को क्या करें, डिस्टर्ब करते हैं उनको, उनके राइट्स की वायलेशन करते हैं, तो ये फॉल करेगा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की खतागरे के अंदर। तो कहते हैं कि ये उसने अब डिफाइन कर दिया है। आगे वो चल के बात करता है जी, कहता है कि अब जो है एग्जिस्टिंग लॉज जो है गवर्निंग कन्फ्लिक्ट वर, बाद में क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग लॉज थे वो थोड़े थे, तो उनको क्या किया गया, उसके अंदर और जो है इंटरनेशनल का जो है ना एड्स किए गए लॉज, न्यूमरियस लॉज उसके अंदर ऐड कर दिए गए इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को, जो यानी कि समझने के लिए, यानी कि वक्त के साथ साथ इनके अंदर और लॉज जो है वो ऐड कर दिए गए, और इन सबको इकट्ठा बोला जाता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज। इसके अंदर वो सारे लॉज आ जाते हैं जो डील करते हैं कि वार के अंदर जो है आप लोगों ने किस तरह से चीजों को देखना है, वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के अंदर, कि व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी डन विद द प्राइमरी इम्फासाइज ऑन प्रोटेक्टिंग सिविलियन पैरामेडिकल चिल्ड्रन एंड कॉम्बेटेंट। कि कब भी लड़ाई होती है, जंग होती है, तो वहां पर जो सिविलियन है, पैरामेडिक्स हैं, दवाइयों वाले जो हैं, बच्चे जो हैं और जो लड़ाई नहीं कर रहे वो, और जो औरतें हैं उनके साथ आप लोगों ने क्या करना है, उनको उनको अपने छोड़ना है, नहीं छोड़ना, क्या करना है। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज वो यही कहते हैं कि जब भी किसी जगह पर कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है, जंग होती है, तो उसमें जो वो लोग जो उस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, उनको, जो सिविलियंस हैं उनको, औरतों को, बच्चों को, मेडिकल सहूलत देने वालों को, तो इनके ऊपर आप लोगों ने अटैक नहीं करना, बल्कि इनको क्या करना है, सेफ पैसेज देकर उस जगह से अलहदा कर देना है इनको, सेफ, आपने इनको सेफ जगह पे पहुंचा देना है, इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर। तो ये है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। और आगे वो बात करता है कि अब फलस्तीनी पीपल जो है वो गजा के अंदर, आपको पता है, आपने पढ़ा है क्या हो रहा है, और इसके अलावा कहता है कि जो इसराइल ये सारे काम कर रहा है, उनकी तबाही कर रहा है, लेकिन इसराइल इनमें से 21 लाज ऐसे हैं जिसको उसने रेटिफाई किया है, साइन किया हुआ है कि हाँ मैं इनको मानूंगा। ठीक है, साइन, कुछ सिग्नेचरी होते हैं ना मुल्क, हाँ कि मैं इन लाज को मानता हूँ, जब टाइम आएगा तो मैं इन लाज को ओबे करूंगा, तो इसराइल ने ये चीज की हुई है, उसने साइन किए हुए हैं, सिग्नेचरी है, और उनमें से कुछ लाज जो है वो यहाँ तक उसने लिखे हुए हैं, आप इनको बेशक खुद से पढ़ सकते हैं। जिनेवा कन्वेंशन है ऑन सिविलियंस, ठीक है, आगे कॉमा, ये यहाँ तक एक लॉ आ जाता है, ठीक है, उसके बाद ये द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, ये दूसरा आ जाता है, द जिनेवा कन्वेंशन ऑन द प्रिजनर्स ऑफ वार, तीसरा आ जाता है, द ऑप्शनल प्रोटोकॉल एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म कन्फ्लिक्ट, चौथा आ जाता है, द कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स, पांचवा आ जाता है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन,
छठा आ जाता है। ये सारे के यानी क्या है, ये लॉज हैं जो डील करते हैं कि आप बच्चों का, जैसे बात हो रही है बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, प्रिजनर्स जो पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी आप उनको भी वायलेशन नहीं करेंगे, वेपन्स भी आप ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे जैसे केमिकल वेपन्स होते हैं उनको भी इस्तेमाल जो है वो भी मना है कि एक लिमिटेड किस्म के आप वेपन्स यूज करेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, ये हैं कौन से लॉज जो हैं जिनका इसराइल जो है वो सिग्नेटरी है, उसने साइन किया हुआ है। और जब ये साइन कर लिया है तो अब इसराइल जो है वो मैंडेटरी है कि वो इंश्योर करे प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन की, स्पेशली बच्चों की भी, ये उसको चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, कंट्रीज इंगेजिंग इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट टू इंश्योर डैट पैरामेडिक्स आर प्रोटेक्टेड, यानी कि पैरामेडिक्स को उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, हॉस्पिटल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टी, उनके रिजर्व्स इन द मिडल ऑफ वार्स, ये सब कुछ, उनका कल्चर, ये सब कुछ क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। और ये इसराइल की भी जिम्मेदारी है कि इसराइल ये काम करे। लेकिन इसराइल क्या कर रहा है, इन कंट्रास्ट ऑफ इमेजेस ऑफ डेथ, इस अब क्या कर रहा है कि वो क्या कर रहा है कि ये काम नहीं कर रहा, बल्कि कर क्या रहा है, वो तो तबाही कर रहा है, बम फेंक रहा है, ठीक है ना, हॉस्पिटल्स के ऊपर भी बम फेंक रहा है, ठीक है ना, हंड्रेड ऑफ सेल्फलेस डॉक्टर्स उनको उसने मार दिया, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सिस को, ठीक है ना, ओल्डेस्ट चर्च जो था गजा के अंदर उसके ऊपर उसने बम फेंक दिया, ठीक है ना, और इसके अलावा जो रिफ्यूजी सीकिंग जहाँ पे जगह वहां पर बम फेंक दिया, तो एक लॉन्ग लिस्ट है कहता है टारगेट्स की। तो ये सारे के सारे सिविलियन कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये काम उसने जो किए हैं उसको नहीं करने चाहिए। इसमें इनोसेंट चिल्ड्रन से उनकी डेथ हो गई है, ठीक है ना, रेस्क्यू वर्कर्स की डेथ हो गई है, जर्नलिस्ट की डेथ हो गई है। तो ये सारी की सारी क्या है, वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। आगे कहता है कि इसराइल जो है उसने रेटिफाई किया है प्रिवेंशन ऑफ पनिशमेंट ऑफ जोनोसाइड। तो कहता है कि जोनोसाइड होता क्या है, बेसिकली दिस लॉ डिफाइंस जोनोसाइड की डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि अटेम्प्ट टू किल, किसी को मारने की कोशिश करना, और कॉज सीरियस फिजिकल और मेंटल हार्म टू मेंबर ऑफ अ ग्रुप, या वजह बनना किसी को जिस्मानी तौर पर या जहनी तौर पर जख्म पहुंचाने की, ठीक, नुकसान पहुंचाने की, और कंडीशंस ऑफ लाइफ कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट अ ग्रुप। यानी कि यहाँ पर डेफिनेशन बताता है फिर जेनोसाइड की, कि जेनोसाइड की डेफिनेशन है क्या। जब जेनोसाइड की डेफिनेशन जो है उस डेफिनेशन के मुताबिक तुमने सारी वायलेशन इसराइल को कहता है आपने कर दी है। अब वो आगे जा कहता है कि अब आप अप्लाई करते हैं कि जो हमने ऊपर डेफिनेशन की है ना, वो डेफिनेशन हम आप गजा के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये डेफिनेशन के मुताबिक जो है क्या हुआ है, इसराइल ने इस डेफिनेशन की वायलेशन की है और तमाम फलस्तीनियों के राइट्स की वायलेशन की है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की उसने वायलेशन की है। ये वो साबित यहाँ पर करता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की इसराइल ने क्या किया है, वायलेशन की है, जेनोसाइड उसने किया है। अब आगे वो कहता है ड्यूरिंग द नंबर्ग टोक्यो ट्रायल, ये उम्मीद की, यानी कि वर्ल्ड वार टू के बाद जब ये ट्रायल चल रहा था तो ये उम्मीद की गई थी कि दोबारा जो है इंसानियत के खिलाफ ऐसा कोई भी काम, क्राइम नहीं होगा। मगर उसने कहा है तो मगर जो अब जो हमारे सामने आ रहा है ना कि इस वाइड लॉ की सही अच्छे तरीके से वायलेशन की है, इसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं इसराइल ने और सही तरीके से ये जो क्राइम्स है ना उसने फुलफिल किए हैं और जो फलस्तीनियों के ऊपर, और अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को क्या करे, जिस तरह इस कोर्ट ने ये आपने ट्रायल किया था उनका, अब इसराइल का ट्रायल होना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उसने ये काम क्यों किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली उसने एक्सप्लेन करने की यही कोशिश की है कि जो गजा के अंदर हो रहा है तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जिसकी बात की जाती है वो क्या कहता है इस चीज़ के बारे में। तो ये सारा उसने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया, उसने साबित किया है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज में जो डेफिनेशन है जेनोसाइड की, उसके मुताबिक इसराइल ने जो लॉज रेटिफाई किए हैं उसने उसकी वायलेशन भी की है, और साथ साथ उसने और क्या किया है, वहां पर जुल्म और सितम किए हैं। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, उसको सजा दे, उसकी अकाउंटेबिलिटी करे। अब आ जाते हैं कि लास्ट वन हमारा जो ओपिनियन है उसकी तरफ, इसमें है ब्रेजन गोस्वामी स्टोरी है उसकी, वो इसके अंदर पेपर पर्सपेक्टिव में कुछ नहीं है, इसकी एक स्टोरी है उसके बारे में बताता है। वो बताता है कि ये सरगोधा के अंदर पैदा होता है, बाद में जब पाकिस्तान बनता है तो ये इंडिया के अंदर आईएएस ऑफिसर बन जाता है, उसके बाद ये रिजाइन दे देता है और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में दाखिला ले लेता है, वहां से ये डॉक्टरेट करता है पहाड़ी पेंटिंग के अंदर, और पहाड़ी पेंटिंग के जरिए से ये क्या करता है, अपना जो है आगे पेंटिंग्स करता है और आगे मुख्तलिफ कल्चर्स वगैरह जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है। और बेसिकली ये कहता ये है कि जब एक ओल्ड मैन जो है उसकी डेथ हो जाती है ना पढ़े लिखे बंदे की, तो आप ये समझ लें कि एक लाइब्रेरी जो है ना पूरी की पूरी वो तबाह हो गई है,
तो ये इसका बेस मकसद का, और वो ये 8 लीव शॉर्ट का फिर ये बताना चाहता है कि जहाँ इस जैसे बंदे जो होते हैं उनके लिए अगर 8 जिंदगियां भी उनको मिले ना, तो वो भी थोड़ी हैं जितना वो लोग काम कर जाते हैं, जितना वो लोग काम करते हैं। तो ये है जी इसके अंदर, पेपर परस्पेक्टिव में कुछ नहीं है, इसको मैंने पढ़ा है, तो ये जस्ट एक किस्म का उसने एक लिखा है अपना जो है ओपिनियन। सो जी ये था आज का जो न्यूज़पेपर था, उसके अंदर जो कुछ था वो हमने डिस्कस कर दिया है। एंड बाय काट आपने करना है, हैव अ नाइस डे। और दूसरा ये है कि दैट इट वाज हैपेंड फर्स्ट टाइम कि कुछ लेक्चर्स जो हैं एक दो शॉर्ट्स हुए हैं, एंड जो रीजंस थी वो आपको एक्सप्लेन कर दी गई थी, एंड वी विल कवर देम इन 1 to 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर ये जो एक दो लेक्चर्स मिस हैं ये वी विल कवर देम। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।